Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to all our viewers. Welcome for this exclusive live event on our Friday night show. Inshallah, thodi si hi der mein Zahid bhai hamare saath joining karenge. He will share his experience. Till then, jo log salam alaikum keh rahe hain, sabko wa alaikum assalam. And if you have any questions, agar aapke koi bhi sawalat hon, to aap please apne questions post kar sakte hain, apne sawalat pooch sakte hain. इंशाल्लाह थोड़ी सी देर में जाहिद भाई के साथ हम क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करेंगे, उनसे कुछ सवाल पूछेंगे. अगर आप चाहते हैं तो खास सवाल उनसे पूछना, उनकी एक्सपीरियंस, उनकी रिलीजियस इंक्लिनेशन, उनके पर्पस, उनकी जिंदगी, उनकी एक्टिंग से रिलेटेड, तो प्लीज विदाउट एनी हेजिटेशन आप सवाल करें. तो इंशाल्लाह मैं जल्द अपने साथ शेयर करने जा रहा हूँ जाहिद भाई को साथ में. एंड इंशाल्लाह वी आर अबाउट टू सी ऑन आवर स्क्रीन जाहिद भाई. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zahid bhai, how are you? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fine, how are you? Zahid bhai, alhamdulillah, aap bataiye kaise hain. Thank you so much Zahid bhai, aapne apne precious busy schedule mein se aapne time nikala to be able to share your experience, and I'm sure the audience is going to love it. Sabse pehle bataiye, kaisi chal rahi hai zindagi is lockdown mein aur kaisa chal raha hai silsila aapka? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी. और लॉकडाउन ने बहुत सारी चीजें सिखाई. लॉकडाउन ने यह सिखाया कि इंसान जो है वो ज्यादा तेज चल रहा है. एंड इट वाज एक्चुअली अ ब्लेसिंग टू हैव ऑल दिस टाइम टू थिंक एंड रिफ्लेक्ट अबाउट व्हाट रियली मैटर्स. तो ये जिंदगी तो चाहे लॉकडाउन में चले या बाजार खुले हुए हों, ये जिंदगी मुख्तसर सी ही है. एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ रियलिटी जिसकी आई थिंक प्रिपरेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे आप जिंदगी में कुछ और भी कर रहे हो. तो या दैट्स व्हाट द मोस्ट इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन इज, कि आपकी डेस्टिनेशन जो है वो क्लियर है. तो हम जो चीज टेम्पररी है उसके चक्कर में कुछ ज्यादा पड़ जाते हैं, और जो परमानेंट है उसको शायद ध्यान में इतना नहीं रखते. मेरे लिए तो आई थिंक द बिगेस्ट लर्निंग ऑफ दिस लॉकडाउन वाज दिस. डेफिनेटली डेफिनेटली. तो जाहिद भाई, क्या रूटीन रहती है आपकी इस लॉकडाउन के सिलसिले में? आई एम श्योर रिकॉर्डिंग का सिलसिला काफी इतना ज्यादा नहीं हो रहा होगा बिकॉज ऑफ द सोशल डिस्टेंसिंग इशू. तो हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम? हाउ डू यू कीप योरसेल्फ बिजी? हाउ डू यू यू नो ट्राई टू लिव अ प्रोडक्टिव लाइफ? क्या रूटीन होती है, आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे सो दैट दे नो कि इस लॉकडाउन के प्रोसेस में जो उनके फेवरेट स्टार्स हैं वो जिंदगी कैसे गुजारते हैं? यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो देयर इज नो, देयर शुड बी नो स्केड्यूल व्हिच डज नॉट मेक रूम फॉर ऑल द फाइव प्रेयर्स. तो आप अपने फाइव नमाज के इर्द गिर्द सारा स्केड्यूल बहुत आसान है आजकल के दिन में उसको प्रोग्राम करना, वो कर लें. और उसके अलावा फिर बीच में एनीथिंग यू डू इज कंस्ट्रक्टिव टू योर प्रैक्टिकल लाइफ. Because I have children, because I have small children, तो उनके साथ वक्त गुजारना and having discussions, reading their books, talking to them, playing with them, even yelling at them, screaming at them, fighting with them, all of this is quality time जो हम अपने normal routines में family के साथ ये नहीं गुजार सकते. तो आप exactly अगर मैं अपना बताऊँ तो शाम का जो time है around 6 बजे के बाद ही कराची का मौसम allow करता है कि आप बच्चों को बाहर लेकर निकलें. Exactly. तो हमने कुछ किया भाई यूं है कि सुबह आप 10 बजे उठें, 11 बजे उठें फजर के बाद, तो सबसे पहले हमारा रीडिंग राइटिंग टाइम हो जाता है दोनों बेटों के साथ. थोड़ी सी राइटिंग की प्रैक्टिस, रीडिंग की प्रैक्टिस हो गई. उसके बाद फिर आपका लंच का सिलसिला आ जाता है. लंच के फौरन बाद 1.5 घंटा मेरा जो है वो बच्चों के लिए कार्टून टाइम फिक्स्ड है. उससे ज्यादा उनको टीवी या कोई गैजेट नहीं दिया हुआ मैंने. उसमें वो एक कार्टून मूवी देखते हैं जब बाहर तपती धूप होती है बाय दैट टाइम. और उसमें मेरा जो पर्सनल टाइम है उस पर्सनल टाइम में फिर मैं फिर अपनी अगर मैंने रीडिंग करनी है, किसी बुक को पढ़ना है, कुरान पाक की तिलावत करनी है या एक्सरसाइज करनी है, तो वो अपने लिए मैं यूं रख लेता हूँ जब तक बच्चे बिजी हैं. एंड जब कार्टून टाइम फिनिश हुआ तो शाम हो चुकी होती है, फिर हम सारे बाहर जाते हैं जितना अलाउ कर सके हम, पोर्च में, गार्डन में या थोड़ा सा रोड पे मास्क वगैरह पहन के. शाम का टाइम अच्छा सा स्पेंड किया, मगरिब की नमाज अदा की, फिर बच्चों का स्लीपिंग टाइम शुरू हो जाता है, माँ बाप का भी छुट्टी हो जाती है. That's nice, it. Nice. तो जाहिद भाई, जैसे आज का हमने सेशन अरेंज करवाया है
most of the people you know are aware of your entire story, aapka change, aapka inclination. Mashallah se recently hum ek aapka ek video ki series dekhte aa rahe hain jahan pe aapne ek important role apni zindagi mein सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बेसिस पे अपने प्ले करने की कोशिश की है कि देखिए मैं अल्लाह ताला ने आपको माशाल्लाह से एक नाम दिया है इंडस्ट्री में और आपको सुनने वाले आपको चाहने वाले लोग हैं तो आप 18 से लेके 35 की एक ब्रैकेट के लिए एज ब्रैकेट के लिए अपने इस इन्फ्लुएंस को पॉजिटिवली इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बताएं जो नहीं जानते हो बिकॉज आज हमारे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो मे बी शायद आपके ड्रामाज ना जानते हो मे बी शायद उनको इस बात का पता ना हो कि आप किस तरह की यूट्यूब वीडियोज आप जाके उसमें क्रिएट कर रहे हैं So what is the idea behind it? What made you do it? What is the entire, you know, role religion is playing in your life? And what motivated you to do so? So these are all answers, if you can tell the audience about this, so that they get to know about it. That the person who sees the screen, that you get more happiness, that you get more happiness, that you get more happiness, that you can mention in your videos. So please share that with the audience. Sure, sure, Bhaji. First of all, जो मैंने ये वीडियोस का सिलसिला अपने यूट्यूब के चैनल पर शुरू किया उससे पहले का रिलीजियसली भी रिलीजियस पाथ पे आने का सफर मेरा काफी लंबा था और ऑब्वियसली एक इंसान जब किसी चीज के बारे में बोलना शुरू करता है वो उसी पॉइंट पे करता है जब वो थोड़ा कॉन्फिडेंट हो चुका हो ना सिर्फ नॉलेज के हवाले से बट ऑल्सो इस चीज में क्लियर हो चुका हो कि मुझे इसके बारे में बोलना चाहिए या नहीं जिस तरह दावा जो है दावत देना इस्लाम की तरफ हमारे फराइज का हिस्सा है और ये भी बात मेरे इल्म में नहीं थी इट्स अ ड्यूटी अपॉन एवरी मुस्लिम और वो दावत सिर्फ नॉन मुस्लिम्स की तरफ नहीं है बल्कि सबसे अहम दावत आपके अपने घर वालों और रिश्तेदारों से शुरू होती है और एग्जिस्टिंग मुस्लिम से शुरू होती है जो शायद इस्लाम को प्रैक्टिस नहीं कर रहे जो अल्लाह ताला की ऑब्लिगेशंस हैं उनसे उनको इग्नोर कर रहे हैं उनसे गाफिल हुए हुए So, एक तो मेरे दिमाग में ये चीज क्लिक की कि दावत इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली दावत से पहले अगर आप मुझसे ये पूछें एंड वीडियोस बनाने से ये पहले ये पूछें कि खुद मैं इस्लाम की तरफ यानी प्रैक्टिसिंग इस्लाम एज अ वे ऑफ लाइफ एंड फुलफिलिंग ऑल ऑब्लिगेशंस उसकी तरफ मैं क्यों आया मेरे ख्याल से वो जानना जरूरी होगा हमारे सारे तमाम व्यूअर्स के लिए Definitely. उसको मैं अगर बहुत थोड़े से शॉर्ट अंदाज में बयान करने की कोशिश करूं तो यह होगा कि आई विश दुनिया के तमाम लोग और देखने वाले सारे पाकिस्तानी भाई बहन भी आई विश के सब के सब अमीर हो जाएं और सब के सब मशहूर हो जाएं तो तब उनको जाके शायद मालूम हो जाएगा कि उसमें भी कुछ नहीं रखा इनफैक्ट इंसान की भूख इंसान की ग्रीड फॉर मोर मटेरियल थिंग्स अच्छा घर बड़ा घर शोहरत हर किसी के हिस्से में नहीं आती लेकिन बहुत सारे लोगों को शायद शौक हो इनफैक्ट इन चीजों की परस्यूट जो है इन चीजों को हासिल करना वो इंसान के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है और ज्यादातर इंसान को और हमारे कल्चर में और दुनिया भर के कल्चर में इन चीजों की परस्यूट को बड़ा एक नोबल कॉज समझा जाता है इसको एक नोबल परस्यूट समझा जाता है कि आप अपने लिए कमा रहे हो अपना करियर बना रहे हो अपने घर वालों के लिए कमा रहे हो ये बहुत बेहतरीन काम है तो चले मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि बेहतरीन काम है मान लेते हैं एक सेकंड के लिए हर बंदा कर रहा है और है नेसेसरी जरूर है बट जहां से मैं बात को शुरू करना चाह रहा हूँ वो ये है कि उसकी हद तक भी जब आप पहुंच गए जैसे अल्लाह ताला ने मुझ पर निहायत करम किया जो ख्वाहिश थी मेरी पैशन थी परफॉर्मिंग आर्ट से मुझे बहुत लगाव है और मैं कभी इस फील्ड में शोहरत के लिए या पैसे के लिए नहीं आया था मैं आया था क्योंकि मुझे इस चीज का पैशन है और अल्लाह ताला ने टैलेंट भी हम नहीं इग्नोर कर सकते कि टैलेंट भी अल्लाह ताला की देन है कहीं और से तो नहीं आती सो उस रास्ते को फॉलो किया और उस पैशन को परस्यू किया और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम किया बेहतरीन लोगों के साथ पैसे भी अच्छे हो गए सब कुछ अच्छा हो गया बीवी बच्चे भी आ गए सब सेट जब सब सेट हो गया सब पास आ गया तो फिर ये दिल क्यों परेशान रहता है फिर किस चीज की बेचैनी है जब बैंक में भी पैसे डाल दिए उस पैसे से इंश्योरेंस प्लान भी खरीद लिया कि चलो मौत वाके हो गए जब भी अल्लाह की मर्जी हो तो घर वालों को कुछ मिल जाए जब बच्चों की एजुकेशन के लिए भी चार पैसे साइड पे कर दिए बाय द वे अब मैं इंश्योरेंस वगैरह सब वापस कर चुका हूँ उसको मैं
कैंसिल कर चुका हूं। बट जब सब चीजें कर ली, यानी इंसानी एतबार से चाहे आप एक रिलीजियस पर्सन ना भी हो, जो कि मैं एक बहुत तवील अरसे तक नहीं था, वो तमाम काम कर लिए जिससे बज़ाहरी तौर पर कोई सिक्योरिटी, कोई सेफ्टी, मेंटल पीस, इमोशनल पीस, एक स्टेबिलिटी आ जानी चाहिए, क्योंकि मुझे आपको एक माँ बाप जो है वो आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज तक पढ़ा देंगे और उस दौरानिया में बहुत सारी चीजें सिखाने की कोशिश करेंगे। इंसान सीखता तो सिर्फ अपने, जब उसके सीखने का मूड होता है तभी वो सीखता है, अपने आप को इजाजत देता है वो। बट वो सारी चीजें कर ली, अब उसके बाद काहे का डर भाई? वो डर तो गलत नहीं है, वो डर तो झूठ नहीं है, वो डर तो मेरे अंदर, मेरे दिल के और खून के रगों के अंदर घुस के किसी ने मुझे नहीं डराया, किसी और का डर मैंने अडॉप्ट नहीं किया। वो डर तो मेरा अपना था, वो खौफ तो मेरा अपना था, वो बेचैनी तो अपनी थी कि ये सब कुछ हो जाने के बाद भी देर इज एब्सोल्युटली नो पीस, देर इज एब्सोल्युटली नो सुकून। और अगर मैं बहुत आसान अल्फाज में अपने दोस्तों को बताना चाहूं तो सबसे छोटी एग्जाम्पल इसकी है कि आपको जब भूख लगती है तो दुनिया की कोई और ताकत आपको कन्विंस नहीं कर सकती कि आप भूखे हैं, और जब तक आप खाना नहीं खा लेंगे तो दुनिया की कोई और एंटरटेनमेंट या डिस्ट्रैक्शन आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकती। आपने खाना खा लिया तभी जाके अंदर आपको सुकून आ गया। वेरी ट्रू। तो मैं अपने प्यारे बहन भाइयों से ये जरूर बात करना चाहूंगा कि आफ्टर गेटिंग फेम, मनी, सक्सेस इन द वर्ल्डली सेंस, एंड आई विश ऑल ऑफ यू गेट दैट, there will still be that emptiness, वो खला, वो बेचैनी कि आपके पास कुछ कंट्रोल में नहीं है, आप, there is nothing for sure, कुछ भी हो सकता है। कल आपका, हम खुदा ना खास्ता गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, 40-50 हज़ार रुपए लग जाते हैं तो आपकी सारी फाइनेंशियल इक्वेशन हिल के रह जाती है। तो आप तो कंट्रोल में नहीं है किसी भी किस्म। और जब आप, लेकिन जब आप नमाज को अपना लेते हैं, इस्लाम के तरीके को अपना लेते हैं और तवक्कुल को अपना लेते हैं, अल्लाह ताला के हवाले कर देते हैं सब कुछ, फिर भी आप कंट्रोल में कहीं से नहीं रहते। आपने अपना कंट्रोल तमाम का तमाम वो अल्लाह ताला को दे दिया है कि अब मैंने ये तस्लीम कर लिया कि तू चला रहा था और तू ही चलाएगा। अब मैं आपको सिर्फ ये बात बता सकता हूं कि, और इस पॉइंट से आगे मैं इंशाल्लाह पूरी डिस्कशन जो है वो थ्योरेटिकल नहीं रखूंगा, मैं प्रैक्टिकल रखूंगा इसको। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह डेढ़ दो साल से, कहना इस तरह बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि बेचैनी थी और बेसकूनी थी तमाम चीजें हासिल हो जाने के बाद, तो मैंने फिर इस्लाम और इस्लामी तरीके को आजमाया। अस्तग़फ़िरुल्लाह, इस तरह बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, लेकिन चूंकि एक इंसान हर चीज ट्राई कर रहा है और कहीं नहीं, वो एक कांस्टेंट सुकून नहीं है, तो और कुछ और कर लो, आप शाम को साथ दोस्तों के साथ महफिल कर लो, कंपनी कर लो, क्रिकेट खेल लो, कुछ कर लो, तो आप मुसलसल तौर पे शाम के उन 2-3 घंटों का इंतजार कर रहे हो, आप दोस्तों की महफिल का इंतजार कर रहे हो, क्योंकि यहां मुझे खुशी मिलेगी, यहां मुझे सुकून मिलेगा, और वो जो बाकी पीरियड है उसमें आप बाय डिफॉल्ट बेसुकून और बेचैन बैठे हैं। सो आई वांटेड कांस्टेंट पीस, आई वांटेड अ मोर सॉलिड हार्ट, सो नहीं किसी भी चीज, वो जो कॉन्स्टेंटली घबरा ना रहा हो कि मैं कहां जा रहा हूं, मेरी जिंदगी कहां जा रही है। और मैं यहाँ पे ये पॉइंट भी बात कर रहा कि पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि इस स्टेज पे तो मैंने मौत को याद भी नहीं किया, बिकॉज मेरे ख्याल से एक गाफिल इंसान जो होता है, जो अपनी वर्ल्डली मैटर्स में लगा हुआ है, वो द आइडिया ऑफ डेथ और मौत के तसव्वुर से दूर रहता है, उसको सोचने का, उसके बारे में सोचना नहीं चाहता। लेकिन मैं करंटली मौजूदा जिंदगी में जिस बेचैनी में था, वही परेशानी की इस कदर बायस थी, ये सब हो गया तो फिर भी ये बेचैनी है, तो चलो अल्लाह ताला ने कहा है मुझ पे यकीन करो, नमाज कायम करो, नमाज बुराई से बचाती है, नमाज में सुकून है, सीख सबर एंड पेशेंस इन प्रेयर, ये भी कर ले, ये करके देखते हैं, खलूस दिल से फिर ट्राई करके देते हैं, और फिर चाहे मूड हो ना हो, चाहे मुश्किल हो ना हो, फिर पांचों की पांचों एक दफा रूटीन में करके देखते हैं। सो ये मेरे ख्याल से
पिछला साल था रमजान का, जिसमें मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि अब मुझे अपनी चाहत करना सिखा दे, मुझे अपनी इबादत करना करने की इजाजत दे, करने की अबिलिटी दे, बिकॉज मैं बड़े सच्चे दिल से अब इबादत करना चाहता हूँ। अब मेरे सामने वो मां नहीं है जिसको दिखावा के लिए मैं शायद नमाज पढ़ लू, किसी के नंबर नहीं गेन करने मैंने, तो मुझे ट्रू वर्शिप की इजाजत है। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम श्योर हम बाकी इस लेक्चर में जरूर डिस्कशन में जरूर डिस्कस करेंगे कि ताकत और पावर सारी कंटिन्यूसली वहीं से आ रही होती है। सही बात है। जो जो इंसान सीधे रास्ते पर चल भी रहा हो और नमाज में कायम की हो, क्योंकि शैतान तो परेशान ही उस इंसान से होता ना, बस वैसे तो डालता ज्यादा से ज्यादा उसी के दिल में, तो 100% चांसेस होते हैं कि अभी अभी असर में भी मसला हो सकता है, मगरब में भी हो सकता है, ऐशा में भी हो सकता है। बट उसने फिर साल डेढ़ साल मुझे चलाता गया। और ये भी मैं इस बात पे पॉइंट करना चाहूंगा कि हमने सुन रखा था कि नमाज बुराइयों से रोकती है, और मेरी दो चार आदतें ऐसी थी जो मैं बदलना चाहता था, और अपने बस में जितना था वो करके देख लिया था, नहीं बदल पा रहा। और इंसान बेचैन है, ओवरनाइट चेंजेस चाहता है। एक ये सीडी डाली और इंस्टॉल हो गया नया सॉफ्टवेयर, तो बट दैट इज नॉट द वे ऑफ एनी रियल चेंज। वो जो आपने 30-35 साल में इतना गंद घोला है, तो उसको धुलने में भी थोड़ा सा वक्त तो दे, थोड़ा टाइम तो लगेगा। सो एनीवे बहुत बहुत कन्विक्शन के साथ सिर्फ मैंने अपना अकीदा कायम रखा कि मैं पढ़ूंगा नमाज, चाहे किसी दिन दिल जा रहा नहीं जा रहा, किसी नमाज में फोकस जा रहा नहीं जा रहा, फोकस करने की कोशिश करूंगा, ट्रू रहूंगा, प्योर रहूंगा, और जितना अपने हाथों से हो सकता है वो छोटे बड़े गुनाहों से दूर रहूंगा। ये मैं अपनी तरफ से ला रहा हूँ, बाकी अल्लाह तेरे ऊपर है ना। तो मैं नेक हूं ना, मैं अपनी नेकी कमाने के लिए कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकली नमाज को अपना के अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी को दुरुस्त करना चाह रहा हूं, और प्रैक्टिकल जिंदगी भी तमाम मामलात वो आपके सुपुर्द करना चाह रहा हूं। सो मैंने प्रैक्टिकल का लफ्ज इस्तेमाल किया था कि अब फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स आई एंड एंड आई विल आस्क यू अबाउट दिस एज वेल, कि प्रैक्टिकल का लफ्ज निकला है प्रैक्टिस से। तो हमारे दिमाग में यूजुअली प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आप एक चीज की प्रैक्टिस करते जाओ जब तक उस पे जब तक उसमें महारत हासिल नहीं हो जाएगी, एंड दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू इन सम सेंस। बट मेरे जो प्यारे भाई और बहन सुन रहे हैं, उनकी चूंकि मेरी ये गलतफहमी थी, मुझे लगता था कि इस्लामी हो जाना और नेक हो जाने का मतलब यह है कि आप एक शिफ्ट ले आए, आप एक जिंदगी में एक और ही इंसान बन गए हैं, और अब आप कुछ और नहीं करते, आप सिर्फ अल्लाह अल्लाह करते हैं, और बट दैट्स नॉट ट्रू। व्हाट यू ओनली रियली हैव टू डू इज स्टे इन द प्रैक्टिस। प्रैक्टिकल का मतलब है कि आपने नमाज की प्रैक्टिस को जारी रखना है, कोई लेवल नहीं रीच करना आपने, वो अल्लाह की तारा की तरफ से आपके अकीदे में ईमान में उसके लेवल में इंक्रीज जरूर आता जाएगा, बट यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू प्रे। जिस तरह 14 साल का लड़का के लिए भी हुक्म है, 60 साल के बुजुर्ग के लिए भी हुक्म है, दोनों के लिए एक हुक्म है, आपने नमाज को कायम रखना है, और उसके साथ साथ आप जिंदगी में अपनी दुनिया की एस्पिरेशंस रखें, अपने काम की इज्जत करें। मेरे ख्याल से तो दीन और दुनिया का बैलेंस इसी को कहते हैं शायद। और जाहिद भाई, दीन हमें दुनिया में जिंदगी गुजारने का तरीका तो सिखाता है, एंड इवन जब मेरी इंक्लिनेशन हुई, बिकॉज आई वॉज नेवर अ रिलीजियस इंडिविजुअल, तो हमारा जो दीन के दावत का काम है यंगस्टर्स की तरफ, हमारा फोकस ही बेसिकली यही है that you know you can still have fun. Deen ne aapko ek you know ban karne ke liye nahi kaha, you need to be able to understand ki aap namaz padhte hain to namaz aapki zindagi mein islah kaise leke aati hai, how it allows you to benefit others, how it allows you to become a better human being. To main yahan pe aapse sawal puchna chahunga ki dekhiye aap jis industry mein hain, aur audience of course ye janna chahti hogi ki wo industry kitna help karti hai aapko to be able to stay connected with Allah subhanahu wa taala,
एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट दिस एंड हर तरह के लोग हर तरह मौजूद हैं बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल बिकम जजमेंटल अबाउट इट एज वेल कि भाई अगर ये इंडस्ट्री में है तो ऑफकोर्स इसका कोई ताल्लुक ही नहीं होगा अल्लाह ताला के साथ बट एट द सेम टाइम देयर आर सो मेनी पीपल हु रियलाइज आफ्टर बीइंग इन द इंडस्ट्री कि ठीक है नहीं हम समझते चमक धमक जो है बट इवेंचुअली दिस इज पार्ट मे बी पार्ट ऑफ लाइफ बट नॉट द एक्चुअल गोल जैसे आपने बात बोली ना कि रिलीजियस होना कोई गोल नहीं है इट्स अ जर्नी जो आप चलना शुरू करते हैं और अल्लाह ताला के सामने हमें उस जर्नी के दौरान उठा लिया जाए वो ज्यादा जरूरी है बनिस्बत हम किसी गोल पे पहुंचे ना पहुंचे अल्लाह ताला बस उस जर्नी के अंदर हमें रखे तो वो इंडस्ट्री कितना हेल्प करती है और जो लोग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं उसका ख्वाब देखते हैं क्या उनको वाकई अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करेगी क्या जिंदगी की हकीकत दिखाने में कोशिश करेगी या वाकई उनको उससे दूर ले जाने की कोशिश करेगी इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डाल दीजिए सो दैट पीपल हु एक्चुअली फैंटेसाइज अबाउट दिस सी इट ऑन स्क्रीन क्या हकीकत है क्या अल्लाह ताला से या इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ लाइफ विच यू टेक टू अ सर्टेन डिग्री एज अ पैशन बट आपका असल जो रिफ्लेक्शन है वो कुछ और चीज में आता है देखिए मैं चाहे ये इंडस्ट्री हो चाहे कोई भी और इंडस्ट्री हो एक दफा आपके ऊपर पैसों की तंगी कम हो जाए किसी भी प्रोफेशन में आप किसी भी लेवल और वो जाहिर बात है लेवल पैसों की तंगी लिटरली इतनी कम हो गई कि नाउ यू डोंट हैव टू डू हिसाब किताब कि मेरा इस महीने का बिल पूरा है बच्चों की फीस पूरी है और एटसेट्रा 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 यानी यू डोंट हैव टू काउंट योर मनी तो वो आपका किसी भी प्रोफेशन में रहते हुए अगर वो लेवल रीच हो जाए तो फिर इंसान का एक स्ट्रेस जो उसने तवील अरसे से लिया होता है वो दिमाग में जगह ऑक्यूपाई की होती है उसने वो खाली हो जाता और फिर उसके पास सोचने का लिबर्टी मिलती लग्जरी मिलती तो मैं इस इंडस्ट्री के चूंकि आपने सवाल किया तो मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि ये इंडस्ट्री शायद मेरे केस में एटलीस्ट और दो तीन और मेरे बड़े प्यार प्यारे कॉलीग्स हैं वो भी इस तरफ आ गए हैं तो जब आपके ऊपर पैसे का प्रेशर हट गया और दूसरा ये कि जब आप शूट के ऊपर होते हैं तो शूट का दिन बहुत लंबा होता है 10 से 12 घंटे आपने काम करना होता है लेकिन उस 10 से 12 घंटे में इंतजार का वक्त ज्यादा होता है लिटरली मैं ये कहूँ कि आप एक्टिंग मैं सीन में कैमरे के सामने 12 घंटे में से शायद 2 घंटे होता हूँ या शायद 1 घंटा बाकी टाइम जो है वो 11 घंटे इंतजार होता है क्योंकि लाइट सेटअप हो रही है हर सीन सेटअप हो रहा है उसके बीच में आपने सीन की तैयारी करनी है तो अब एक इंसान उस तैयारी के बीच में अपनी नमाज भी बड़े आराम से कायम कर सकता है उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं एंड देन ही हैज द फ्रीडम एंड द लिबर्टी टू सिट एंड थिंक अबाउट थिंग्स बट मैं साथ साथ बहुत रियलिस्टिक रहते हुए जरूर कहूंगा कि हाँ हमारा प्रोफेशन शायद अपनी जिस इंसान ने आजजी अख्तियार करनी है अपने आप को एक्सप्लोर करना है अल्लाह के बारे में सोचना है और इस रास्ते पर जब आप प्रैक्टिकली चलना शुरू करते हैं तो आपको फिर अपनी नफ्स की पहचान होना शुरू होती है कि नफ्स किन चक्रों में है क्या चाहती है वो और हमारे यूजली जितने भी ये एट्रीब्यूट्स हैं कि मेरी पहचान हो मेरी तारीफ हो इसको नॉर्मल साइकोलॉजी में तो बड़े नॉर्मल ट्रेट्स कहा जाएगा लेकिन ये अल्लाह ताला के इम्तिहानों और आजमाइश में से एक और है और सबसे बड़ा है मेरे ख्याल से शैतान से बड़ा चैलेंज जो है वो नफ्स का इंसान की अपनी तो इस इंडस्ट्री और इस प्रोफेशन में आपके नफ्स को मजीद खतरा बहुत ज्यादा है बिकॉज गेम ही सारी इस बारे में ना कि कौन ज्यादा फेमस हो रहा है किसकी ज्यादा तारीफ हो रही है पैसे किसके ज्यादा हो रहे हैं इंस्टाग्राम फॉलोअर्स किसके ज्यादा है क्या सो इट्स अ डिफिकल्ट प्रोफेशन इट्स अ डिफिकल्ट प्रोफेशन एज फार एज यू स्टेइंग हम्बल इज कंसर्न अगर आप समझते हैं जो भी सुनने वाले हैं कि यू कैन हैंडल इट तो यू कैन ओनली नो बाय एक्सपीरियंस फिर आप अपना तजर्बा करें लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूं कि जितना एक बैंकर या केमिकल इंजीनियर को अपने नफ्स से खतरा है उससे कहीं गुना ज्यादा एक एक्टर को है तो जो ऑडियंस हमें सुन रही है प्लीज अपने सवालात देते रहिए इंशाल्लाह ताला हम क्वेश्चन आंसर का सिलसिला भी करेंगे इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रही है जाहिद भाई के साथ और उनकी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे किस तरह से ही मेंटेन्स द एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन इन हिज लाइफ he makes sure that he's connected with Allah subhanahu wa ta'ala. I know you have a lot of questions. I know aap logo ke bahut sawalat hain. Inshallah ta'ala ek ek karke sab sawalat ko hum lete rahenge. Tab tak hum Zahid bhai se samajh rahe hain ki kya unki zindagi mein kis tarah se religion ne bond role play kar raha hai. Ji Zahid bhai continue kare.
मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा कि इंसान एटलीस्ट मेरे केस में कोई भी फिनोमेना समझ आ जाने के लिए दो तीन चीजों की क्लैरिटी अगर आ जाए, उस कोई भी कहानी आपने सुननी हो तो उसका आपको स्टार्ट लाजमी चाहिए, और अक्सर लोग एंड पे भी फौरन आ जाते हैं इसका एंड क्या है, बीच में क्या होगा ये थोड़ा स्किप हो जाता है, लेकिन नो बुक इज कंप्लीट बिफोर यू रीड द स्टार्ट मिडिल एंड एंड, नो स्टोरी इज कंप्लीट बिफोर यू स्टार्ट द मिडिल एंड द एंड। सो अगर हम स्टार्ट की बात करें, ये वो कुछ सवालात हैं, कुछ कंसेप्चुअल आंसर्स हैं जिनकी शायद मैं तलाश में था, एंड आई एम श्योर हर इंसान होता है कि हमारा ओरिजिन क्या था, दुनिया में क्यों आए हैं हम, और अब करना क्या है और एंड क्या है। सो मैं सबसे पहले तो ये शेयर करता जाऊं कि मुझे जिस चीज के बारे में इतनी क्लैरिटी तो मेरे ख्याल से दुनिया के हर इंसान को है, चाहे वो किसी भी रिलीजन में हो और चाहे वो एथियस्ट क्यों ना हो, कि मौत तो सबको आ रही, लेफ्ट राइट एंड सेंटर पीपल आर डाइंग, चाहे वो कोरोना की वजह से हो या कोई भी वजह हो, इंसान की जिंदगी तो खत्म हो रही है। सो दिस फॉर मी इज नॉट समथिंग जिसके बारे में ना सोचा जाए, क्योंकि इसके बारे में सोचना मुश्किल है, और यही वो चीज है बल्कि जिसके बारे में इंसान अगर इस सवाल को रखे कि एंड तो हो रहा है, तो फिर करने क्या आए थे, इसकी तरफ इंसान की मेरे ख्याल से सोच जानी चाहिए। एंड इस्लाम एंड द कुरान पाक एंड अल्लाह सुबहाना व ताला आर दी ओनली सोर्सेज जिन्होंने एक जुमले में एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स को सामने रख दिया है। आई विश मेरा वो लेवल जल्दी से आ जाए जब मुझे अरबिक सोर्स की उतनी जल्दी याद हो, लेकिन ट्रांसलेशन याद है कि वी क्रिएटेड मैन एंड जिन फॉर नो अदर पर्पस बट टू वर्शिप। वमा खलक्तु जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। सुभान अल्लाह, हमने इंसान और जिन को अपनी इबादत के लिए बना। अब इस जुमले से सिर्फ एक मसला हो सकता है कि किसी इंसान की अपनी ईगो ये बोले कि ये क्या बात हुई, हमें सिर्फ इबादत के लिए बनाया, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये सोच आ सकती, नॉविस सोच है, मेरे दिमाग में भी शुरू शुरू में आई, ये क्या बात हुई भाई, हमें सिर्फ इबादत के लिए बनाया। लेकिन चलो कम अज कम ये तो वाहिद सोर्स है जिसने आपको ये जवाब तो दिया कि क्यों बने, ठीक है, जिसने बताया उसने कम से कम ये तो बता दिया, कहीं से तो आपको मिला कि क्यों बने हो, और ये जवाब जो है ये बाकी एग्जिस्टिंग दुनिया में रहते हुए लोगों के तौर तरीके से बिल्कुल मुख्तलिफ मिला। दुनिया में रहते हुए तो अगर आप किसी इंसान से सवाल पूछें कि यार व्हाट इज लाइफ, व्हाई आर वी हियर, तो हर इंसान की तरह तरह की फिलोसफीज आएंगी, और जो पॉजिटिव भी होंगे बहुत सारे लोग को ये भी कहेंगे कि भाई यार इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इंजॉय करो लाइफ में, चिल करो, रिलैक्स रहो, पॉजिटिव रहो, और हंसते रहो और हंसाते रहो और चले जाओ। नॉट अ बैड थॉट, नॉट रियली अ बैड थॉट, मतलब चलो गुड एडवाइस, हंसते हंसाते रहो का सवाब मिल गया, पॉजिटिव रहने का सवाब मिल गया, और ये तो हिसाब की वो बातें हैं जो रहमान और रहीम है उसकी जात, वो अपने हिसाब में शायद इन चीजों को क्लियर कर दे, बट ये बातें उन लोगों की हैं जिन्होंने जिसने बनाया उसके बनाए हुए तरीके को उस पर गौर नहीं किया, और जिस तरह हम कहते हैं कि लाइफ डज नॉट कम विद इंस्ट्रक्शन मैनुअल, तो वो इनफैक्ट हम गलत कहते हैं, हमारी इग्नोरेंट सोच है जो कहती है, बिकॉज लाइफ हैज एक्चुअली कम विद एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल, नॉट जस्ट द कुरान पाक। और मैंने स्टोरी की बिगिनिंग से जो बात का जिक्र किया था, तो मुझे भी एक बच्चे की तरह बिल्कुल, तो बच्चे कहते हैं ना कहानी शुरू से सुनाओ, शुरू से सुनाओ, शुरू से सुनाओ, हमें भी मुझे अपने आप को शुरू से सुनानी थी कि शुरू कैसे हुआ सिलसिला। मौलाना मौदूदी साहब की तफसीर है तफहीमुल कुरान, तफसीर में अच्छी बात यह हेल्प है कि ट्रांसलेशन की ज्यादा एक्सप्लेनेशन मिल जाती है। अल्लाह माफ करे मुझे,
फॉर द फर्स्ट टाइम 1.5-2 साल पहले मुझे ये पढ़ के पता लगा कि इस्लाम जब आदम और हवा क्रिएट हुए तो और जब जमीन में भेजे गए तो उनको मुकम्मल इस्लाम की नॉलेज देकर भेजा गया. इट वॉज द फर्स्ट रिलीजन, इट इज द ओनली रिलीजन, इट इज द फर्स्ट रिलीजन, इट इज द ओनली रिलीजन दैट हैज डायरेक्टली कम फ्रॉम गॉड टू आदम एंड हवा. दैट एक्सप्लेन्स सो मेनी थिंग्स. क्योंकि शुरू शुरू में मुझे शायद ये ख्याल आता था कि अगर अल्लाह ये क्या तो मजहब इतने क्यों है, क्या कंफ्यूजन बना के रखी है. And according to the tafsir, कई centuries बाद, कई सौ साल बाद की जो generations थी आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की, उसके बाद तब्दीली आना शुरू की, उसके बाद religious practices को भुला दिया गया और उनकी बाद की generations में confusion आना शुरू हो गई. और ये कोई बहुत अनहोनी बात नहीं है, हम तो शायद अपने बाप या दादा की बात भूल जाते हैं. 100 साल की एक नॉलेज को इंटैक्ट रखना बड़ी कोई अनहोनी बात थी. सो वहां से आप इंसान जब अपना सिलसिला जोड़ना शुरू करता है कि अच्छा यार मेरा क्रिएटर एक है, वो मेरे ऊपर बैठा है और मैं यहां बैठा हूं और मैंने सब कर लिया है जिंदगी में, कुछ नहीं काम कर रहा. ऑल द पार्टियिंग, ऑल द फन, इवन अगर आप किसी, क्योंकि जब इंसान बेचैन होता है तो उसको नम भी करने की कोशिश करता है. और आजकल हमें यूथ के इश्यूज पता होना चाहिए. देयर इज इस कदर अमाउंट ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अवेलेबल इन सोसाइटी. और वो मैं आज अपने प्यारे बहनों भाइयों के साथ ही बात करना चाहूंगा अगेन फ्रॉम एक्सपीरियंस, कि आपका कोई कसूर नहीं है और आप गलत नहीं हो अगर आप उस बेचैनी को दबाने के लिए इन चीजों को आजमा रहे हो या इस रास्ते पे आ रहे हो. ये भी यकीन जानो अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा. एंड अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पे ये अवेलेबल है, तो इसकी अवेलेबिलिटी एक इशू है. उसको हम जरूर हकूमत के सामने रखना चाहिए कि भाई वी आर अ मुस्लिम कंट्री, व्हाई इज देयर इवन अ ड्रॉप ऑफ अल्कोहल अवेलेबल इन दिस कंट्री. बट यू हैव मेड समथिंग अवेलेबल, पीपल विल कंज्यूम इट. अब यूथ मेरी जो है वो मुझ समेत, जब आप अल्लाह ताला ने आपके दिल और आपके एग्जिस्टेंस के अंदर एक खला छोड़ी है, जानबूझ के छोड़ी है कि आप उसको भरो, जो हम अल्टीमेटली फिर जब अल्लाह की याद में आते हैं, नमाज के सिलसिले में आते हैं, अल्लाह को याद करते हैं बात बात में, तो वो खला भरनी शुरू हो जाती है. लेकिन इंसान फिर अपनी सोच जब लड़ाता है, अकल जब लड़ाता है, तो फिर उसको भरने के कई कई तरीके ढूंढता है. तो वो तरीके कार भी मैं रेकमेंड तो ऑब्वियसली नहीं करूंगा, लेकिन जिसने करना है वो करेगा, और वो करने के बाद भी ही विल स्टिल बी मिजरेबल. यू विल ऑलवेज बी needing that drug to get high, you will always be needing that alcohol to get some peace or some happiness. And the moment aapne wo kar liya, raat guzar gayi, agli raat aap miserable ho, aap takleef mein ho, aap apne aap se nafrat kar rahe ho, kyunki aapki rooh bhi to andar kahin na kahin maujood hai aur wo aapki malamat karti hai ki ye jo tune kar diya iski इसका मुझे बिल्कुल जो है इससे फायदा हासिल नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हासिल हुआ. सो स्टार्ट ऑफ द स्टोरी से मैंने सिलसिला पकड़ने की कोशिश की थी कि अच्छा मुझे मेरा अल्लाह कह रहा है कि मैं तुझे इबादत, ठीक है, मेरे मौजूदा हालात ये कह रहे हैं कि सब कर लिया, सुकून देर पा, कॉन्स्टेंट सुकून नहीं मिल रहा. और मेरी जो अपनी गंदी आदतें हैं, बुरे आदत है, सिगरेट पीना हो या कुछ और भी हो सकता है, वो मैं छोड़ना चाहता हूं यार, छुट्टी नहीं है. ये कहानी आप मल्टीप्लाइड बाय अपनी पूरी आवाम की 22 करोड़ से ही करते हैं तो आई थिंक सबके लिए रेलेवेंट होगी कि यार मैं ये गलत काम है, पता है, बस मेरा बस में नहीं है, मैं नहीं छोड़ सकता. मेरी आदत है, बहुत पक्की है, बहुत पुरानी है, मेरे बस में नहीं है. तो भाईजान नहीं है आपके पास, पर एक सुप्रीम पावर बैठी है ऊपर जिसने आपको लिटरली क्रिएट किया हुआ है. और ये जो हम बार बार एक ब्रोकन ब्रैकेट की तरह कहते हैं नमाज पढ़ो और इस रास्ते पे चलो, ये मैं अपने आज दोस्तों के सामने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दिस इज नॉट जस्ट अबाउट बिकमिंग रिलीजियस एंड अर्निंग नेकियां.
This is a power program. This is a partnership. And partnership to istafla nahi karna chahiye because partnership mein do log equal hote hain, isme hum kahin se equal hain. So aap ye bhi keh sakte hain this is like submission to aap hum ek holy word hi hai ki apni submit kar dein will apne Allah Taala ko. So main wo wale words bhi use nahi karna chahta jo sirf scripture hi lagta hai. This is you having liberation, a superpower. This is you having a superpower on your side. Ke mere paas de de, mere saath ye masle hal kara. Ab namaz padh ke har waqt jo hai wo sirf apni piousness aur apne taqwa ko nahi badha rahe, wo Allah Taala automatically saath saath increase kar raha hai. Aapki ruhaniyat ka level bhi, aapke taqwa ka level bhi automatically increase kar raha hai. बट एक शख्स पांच वक्त की नमाज अदा कर रहा है तो वो अपने हर दुआ में लिटरली अपने डे टू डे मैटर्स भी डिस्कस कर सकता है, जो आई एम श्योर आप भी इस आदत में होंगे और मेरी भी अक्सर ये प्रैक्टिस है कि अभी जोहर अदा की और बीच में हम किसी काम में लगे हुए हैं, कोई या कोई सीन रिकॉर्ड करना है या किसी टास्क में मैं फंसा हुआ हूं, तो असर की नमाज में उस चीज के लिए दुआ मांगी. सो मिनट बाय मिनट एंड आवर बाय आवर आप अल्लाह को कह रहे हैं यार ये अल्लाह ताला ये मसला, ये कर दे, ये मेरे दिमाग में नया आइडिया डाल दे. एंड आई किड यू नॉट, इस बात पे मैं आपसे कसम खा सकता हूँ तमाम सुनने वालों की, ये वो एसोसिएशन है, ये वो रिलीजियस प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल जिंदगी का मजा है, सुकून है और अश्योरिटी है कि आपने सबसे बड़े पावर के साथ अपने मसले को आपने हैंडल करवाया. ये वो करके दिखाता है. दिस इज वाई मेरे ख्याल से जो लोग रिलीजियस प्रैक्टिस में आते हैं वो फिर इस रास्ते को नहीं छोड़ते. क्योंकि लेट्स फेस इट ना भाजी, आप और मैं भी फर्स्ट जनरेशन ऑफ यू नो इंटरनेट है एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है एवरीथिंग. अगर हमने एक चीज को आजमाया होता और उसका कोई बेनिफिट ना होता तो वुड वी बी कंटिन्यूइंग डाउन दैट पाथ? डेफिनेटली. एंड दैट्स एग्जैक्टली जो आपकी सारी बात है. मैं जो वर्ड लिबरेशन का वर्ड यूज कर रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी ये फील किया होगा कि दीन में आके अल्लाह सुबहान व तआला दुनिया की गुलामी से आजाद करके अल्लाह सुबहान व तआला की गुलामी में आ जाते हैं. हमारे इंसानों में सबसे जो बदतरीन दर्जा है वो गुलामी का है, वो अब्दियत का है कि इंसान क्रिएशन का गुलाम बन जाए. और अल्लाह सुबहान व तआला की नजदीक सबसे अफजल दर्जा जो है कि वो कि हम अल्लाह सुबहान व तआला के अब्द बन जाए, अल्लाह सुबहान व तआला के गुलाम बन जाए. तो जब अल्लाह सुबहान व तआला के गुलाम बन जाते हैं तो हमें बाकी चीजों से लिबरेशन हो जाती है. क्या फैशन चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, यू विल डू इट बेस्ड ऑन द नीड दैट यू हैव. यू विल नॉट बी डूइंग इट कि मैं लोगों को खुश कर लूं, यू विल बी डूइंग इट कि अल्लाह तआला की नेमत है इस्तेमाल कर रहे हैं. तो जैसे अल्लाह सुबहान व तआला कुरान में कहते हैं अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल क़ुलूब, कि दिलों को सुकून नहीं मिलता लेकिन अल्लाह ताला के जिक्र से. जो ये इंसान चक लेता है फिर उसको पता चलता है कि कोई भी ऐसी चीज जो दुनिया में है वो कभी बाकी रहने वाली नहीं है, और जो बाकी रहने वाला है वो अल्लाह सुबहान ताला का है. तो आपका ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्टिव चेंज होता है और बोलता है कि मैं दुनिया के लिए बनाया ही नहीं गया हूं, मुझे असल में बनाया गया जन्नत के लिए. मुझे दुनिया तो वो दे नहीं सकती, दुनिया की तमाम सप्लाई वो है ही नहीं कि मेरे दिल को सुकून हासिल कर सके. और ऑटोमेटिकली आप जन्नत की कोशिश करते हैं और अल्लाह ताला को दुनिया भी दे रहे होते हैं. यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि जी बोलिए. हाँ, प्लीज गो अहेड. मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ. देखिए कि बहुत से लोग आपको अभी एक फेज में जानते हैं, ठीक है, कि आप एक्टिंग में हैं और एक्टिंग में आपने एक अपनी पर्टिकुलर फील्ड में एक सक्सेस ली. पर बहुत से लोग आपकी पिछली जिंदगी के बारे में नहीं जानते. पीपल ऑलवेज लुक एट द गुड साइड, पीपल डोंट लुक एट द फैक्ट कि आपने कहाँ से स्ट्रगल किया है. आज आप जो बात कर रहे हैं जाहिद भाई, आई नो फॉर अ फैक्ट बिकॉज मैंने भी जिंदगी की कुछ मरहलों से गुजरा हूँ, परेशानी से गुजरा हूँ, गम से गुजरा हूँ, और उस ऑल दैट नेगेटिव एस्पेक्ट लेड मी टुवर्ड्स रिलीजन. तो आई नो फॉर अ फैक्ट कि आपकी बातों में जो डेप्थ है, आपकी बातों में जो गौर फिक्र है, वो आपकी पिछली जिंदगियों के तजुर्बे में बहुत उसने रोल प्ले किया है. तो आई वुड वॉन्ट यू टू शेयर विद द ऑडियंस कि आप जिंदगी किन मरहलों से गुजरे एंड आपने किस तरह से उससे सबक हासिल किया. और जो लोग अभी किसी जिंदगी की मुश्किलात से गुजर रहे हैं, बिकॉज हमें बहुत से लोग मैसेजेस करते हैं कि शादी में नाकामी हो गई, जॉब नहीं मिल रही, वेट का मसला है, दे लुक एट द पिक्चर परफेक्ट सोशल मीडिया पर्सनालिटीज,
तो आपकी जिंदगी का थोड़ा सा हाईलाइट बताएं लोगों को, ताकि क्या है और उससे आपने क्या सीखा और उधर से आपने क्या लिया. बिकॉज सम पीपल हु माइट बी नॉट वॉचिंग द ड्रामास, माइट नॉट बी वेरी मच इनटू द मीडिया इंडस्ट्री, मे नॉट नो दिस साइड ऑफ यू एंड मे ओनली नो के ठीक है अगर वो गूगल करेंगे तो उनको एक एक एक्टर नजर आएगा, उनको एक जाहिद जो एक एक सक्सेसफुल अपनी फील्ड में एक इंडिविजुअल नजर आएगा, बट दे डोंट नो कि उनको इंडिविजुअल जो आज मेरे सामने बैठ के बात कर रहे हैं यूट्यूब पे, एक डेप्थ की गहराई की बात कर रहे हैं, जिंदगी के कुछ ऐसे मरहले हैं जो उनको यहाँ तक लेके आई है, तो उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डाली जाहिद भाई. यार जरूर, और मेरी जिंदगी तो इस पॉइंट से पहले थी ही सिर्फ एक स्ट्रगल. मैं रावलपिंडी से, मेरा ताल्लुक है और हम बिल्कुल मिडिल क्लास घराने में पैदा हुआ. मैं तीसरा भाई हूँ, सबसे छोटा, और तीसरे बच्चे या तो सबसे ज्यादा लॉटरी होते हैं या वो खुद ही पले होते हैं, उनको कोई तवज्जो मिली नहीं होती. हाँ, माँ बाप काफी थक चुके होते हैं, और ये मैं अब चूंकि दो बच्चों का बाप हूँ इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वाकई एनर्जी देना, तवज्जो देना हर बच्चे के लिए बहुत एक टास्क है. एनीवे, ये तो मैं मजाक में बात. तो फ्रॉम द फर्स्ट डे, जब से हमने होश संभाला तो हमने सिर्फ स्ट्रगल ही देखा. मैं एक बड़े अच्छे प्यारे बड़े से एरिया के घर में पैदा हुआ, दो तीन कनाल जमीन थी उसकी, जो हमें शुरू शुरू में ही बहुत बहुत कम पैसों में बेचना पड़ गया. तो हमसे छिन गया वो अपना इनहेरिटेड घर, जो कि आपको पता है हमारी टिपिकल लाइफस्टाइल में पाकिस्तानियों की जिंदगी में अपना घर होना एक बहुत बड़ी बात थी कि एक वो चीज स्टेबल हो गई है. तो अब चूंकि वो चला गया तो फिर हम रेंटर्स की जिंदगी में शामिल हो गए, और उसकी वजह से हमारी जेब हमेशा से जो है वो तंग रही. उसकी वजह से मैंने बिल्कुल नॉर्मल स्कूल से पढ़ा, बहुत ही सब स्टैंडर्ड कॉलेज से पढ़ा. सिर्फ मेरी माँ जो है, अल्लाह उनको बख्शिश, इंतकाल उनका 4-5 साल पहले, वो अंग्रेजी की टीचर थी. तो वो इस वजह से, और मुझे थोड़ा अंग्रेजी का शौक था तो वो हमसे अंग्रेजी में बात किया करती थी. इसकी वजह से शुक्र है कि दुनिया में प्रैक्टिकली हमारे जितने भी ये कॉलोनियलाइज मुल्क हैं इनमें अंग्रेजी बड़ी मैटर करती है. कॉलोनी रह चुके हैं ना हम तो ब्रिटिश. तो एनीवे, सो सब स्टैंडर्ड कॉलेज, सब स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज, और यूनिवर्सिटी के बाद मेरे ख्याल से 18-20 साल का मैं था जब मुझे पहली नौकरी करनी पड़ी, और करने की ख्वाहिश भी हुई क्योंकि घर में कंट्रीब्यूट करना था, इसके अलावा चारा नहीं था. दोनों भाई बड़े जो है वो भी बड़े जल्दी जॉब में चले गए बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारा सोर्स ऑफ इनकम वाले साहब की तरफ से और रिसोर्सेज की तरफ से वो बिल्कुल खत्म हो चुका था फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. जब तक मैं कॉलेज में एंटर हुआ हूँ वी हैड नो इनकम, आमदनी कोई नहीं आ रही थी, सिर्फ अखराजात थे और हम रेंट पे थे. तो कॉल सेंटर से नौकरी शुरू की, कॉल सेंटर की नौकरियां की, रातों को जागना, रातों की शिफ्ट. उस वक्त बाकी भाई भी मजाक उड़ाते थे कि ये कोई नौकरी नहीं होती, ढंग की कोई नौकरी ढूंढो. अब एक बच्चा जिसने मर मर के ग्रेजुएशन किया है, एवरेज नंबर से ग्रेजुएशन किया है, उसको किसी बहुत हाई फाई कंपनी में तो नौकरी मिलेगी नहीं. मेरे पास सिर्फ एक स्किल थी, बजाहिर एक स्किल थी, वो इंग्लिश. और उस जमाने में कॉल सेंटर्स का बूम आया था, मैंने कहा चलो इसको तो कैश करो ना. मैं साथ साथ सुनने वालों को अगर प्रैक्टिकल एडवाइस भी साथ साथ दे सकूं तो यही होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज मेक द बेस्ट ऑफ व्हाटएवर यू हैव इन हैंड. कुछ जो हाथ में है, जो आता है, जो पास है, उसका जरूर उसका इस्तेमाल किया करो, बिकॉज बाद में जाके पता लगेगा कि वो ब्लेसिंग, वो ही आपका अल्लाह ताला ने आपको एक टूल दिया हुआ था. खैर, वहां से नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ कॉल सेंटर का, करते 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 फिर मोबलिंक में 4 साल बाद नौकरी मिली, वो भी उनके भी कॉल सेंटर में. लेकिन जी मोबलिंक है जी, बड़ी कंपनी है, अब सीना तान के फिर हम चल सकते थे. और वहां से वो सिलसिला शुरू हुआ, और शौक जो परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ था इस पर मैं थोड़ी जरूर रोशनी डालूंगा कि I actually did not know कि मुझे मेरे अंदर कोई टैलेंट है इस तरह का, नहीं. और ना ही मैंने बचपन से ये सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगा
या मैं बनना चाहता हूँ। मुझे कहीं ना कहीं कभी शायद ख्वाब के रेल में लगता था कि शायद एक दुनिया है, या लेकिन मेरे ख्याल से वो तो हर इंसान ही फैंटेसाइज कर सकता है अपनी दुनिया में एक जाता है यार, मैं असल में ना मेरे अंदर ये हूँ, मैं करके दिखाऊंगा एक दिन। बट जब नौकरियों का सिलसिला चलता रहा उसके दौरान इस्लामाबाद में कुछ अंग्रेजी थिएटर का सिलसिला शुरू हुआ और वो मैंने एक शो देखा तो मुझे बड़ा पसंद आया कि तो बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोल रहे हैं और बहुत अच्छी कॉमेडी थी उसमें, डिसेंट तरीन जबरदस्त प्ले था, ब्रिटिश प्ले की एक अडेप्टेशन। उन्होंने ऑडिशंस का सिलसिला अनाउंस किया और मैंने कहा जी मैं अगले प्ले में, दोस्तों ने इनकरेज किया कि तू करता रहता है ऐसा हंसी मजाक करता रहता है तो तेरा ये दिस इज व्हाट यू शुड डू। मैंने कहा ओके, मैंने ऑडिशन वगैरह के लिए साइन अप किया, 2-3 महीने गुजर गए उस बात को भुला दिया और नौकरी चल रही है, बस नौकरी चल रही है, नौकरी से जो तनख्वाह आ रही है वो शो मारने वाली बात नहीं है लेकिन लेसन देने वाली बात है कि चूंकि माँ बाप नीडी थे और हम सब अपने पूल इन करते थे रिसोर्सेज, तो फिर 90% सैलरी जो है वो मैं माँ के हाथ में डालता था और बाकी फिर अपने छोटे मोटे जो भी खर्चे थे कर लिए। और वो थिएटर का सिलसिला फिर शुरू हुआ तो वो मैंने थिएटर, वो पहला एक प्रैक्टिकल चीज थी जो मैंने अपने शौक की तरफ एक स्टेप लिया, और वो 9 to 6 में नौकरी करता था और 6 to 11 या 12 या 1 जो है वो थिएटर के रिहर्सल होते थे। तो चूंकि उस वक्त नौकरी पे शादीशुदा था नहीं तो मैंने कहा भाई अगर शौक है और तो शौक ये खुआरी मांग रहा है तो फिर ये करना पड़ेगा, तो मैं ऑफिस से सीधा जाया करता था फिर रिहर्सल में, और 4-5 महीने हर प्ले की, थिएटर प्ले की रिहर्सल होती है पहले हर रोज, और यही आवर्स होते हैं 6 to 11 12, उन 5 महीनों में प्ले बनता है उसके बाद फिर आप उसको परफॉर्मेंस की तरफ लेके जाते हैं। वो मैंने अपने शौक का एक्सप्रेशन जो मैं उसको अपनाना चाहता था, एक्सप्रेस करना चाहता था, वो किया, 5-6 साल ये करता रहा। और यहां से भी मैं लोगों को एक बात कहना चाहूंगा कि कहने को तो एक एक्टर था लेकिन वो इस्लामाबाद का थिएटर था, छोटे से शहर का, थोड़े से लोग आके देखते थे, 10-12 दिन का प्ले चलता था फिर बंद हो जाता था, फिर 5 महीने काम करो और एक प्ले करने के 2-3-4 हजार रुपए शायद मिल जाते थे, और ये बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2006 से लेके 11 के बीच में आ रहा है, तो थिएटर में कोई पैसे नहीं होते। मैं सिर्फ इस बात पे इसलिए रोशनी डाल रहा हूँ कि जब जब अगर किसी चीज के बारे में पैशनेट हो और सिंसियर हो तो फिर उसके आप मोल नहीं लगाते, फिर आप उसको हर तराजू में नहीं तोलते कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे तो फिल्में करनी चाहिए या मैं ड्रामा करना चाहिए। कराची उस वक्त मेरे वहम गुमान में नहीं था, दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, आज तक कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त कुछ नहीं था, बट आई वॉज सिंसियर विद एटलीस्ट अ पैशन, तो मैंने वो थिएटर किया और उसके बाद वो सिलसिला किसी तरह खत्म हो गया, प्रोडक्शन होना खत्म हो गई। और फिर बाय 2011 दैट इज व्हेन आई गॉट मैरिड, तब तब तो मेरी जो जिंदगी है वो थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंट भी हुई थी इंटरनेट पे, वहां से मेरे ऊपर सख्त किस्म के स्ट्रगल्स और इम्तिहानात का सिलसिला शुरू हुआ। 2011 में उस वक्त मैं मोबलिंग से होता होता टेलीकॉम सेक्टर में मैंने अपना करियर बना लिया था, और एक 2011-12 में एक टेलीकॉम कंपनी, आईटी कंपनी सॉरी, को ज्वाइन किया जो एक छोटी सी कंपनी थी लेकिन बहुत सक्सेसफुल थी, उनका एक प्रोजेक्ट बहुत अच्छे इंटरनेशनल अर्निंग कर रहा था, तो दे वांटेड टू स्टार्ट एन इंटरनेशनल कॉल सेंटर। चूंकि मेरा वो सिलसिला था, 10 साल पहले वो सिलसिला शुरू हुआ था, तो इसी तरह अल्लाह ताला सिलसिले से सिलसिला जोड़ता है, ये तमाम सुनने वालों को बता दूं कि आप इसमें कुछ नहीं कर रहे होते, ये तमाम सिलसिले अल्लाह ही जोड़ा होता है। तो वो सिलसिला कॉल सेंटर्स का जोड़ा जिस वक्त उसको गालियां दिया करता था कि क्या काम है, उसके बाद इस कंपनी ने जब फैसला किया कि हम इसको लॉन्च करेंगे तो उन्होंने मुझे इसकी सीनियर मोस्ट पोजीशन ऑफर कर दी कि आप इसको लॉन्च करें, अपनी टीम बनाएं, सॉफ्टवेयर सारे खरीदें, सब कुछ करें और हम आपको इसका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाते हैं और सैलरी भी अच्छी खासी है। और इन्हीं दिनों में मेरा निकाह हो चुका था, मेरी रुख्सती चंद माह बाद थी, तो मैंने ऑफर ले ली, मैंने बेगम से भी डिस्कस किया कि ये है। उससे पहले मैं बहुत अच्छी बड़ी कंपनी में काम कर रहा था, नोकिया में काम कर रहा था, तो नोकिया छोड़ के एक छोटी कंपनी ज्वाइन की इसलिए क्योंकि प्रोफाइल बहुत बड़ा है वो सब कुछ, लेकिन
कंपनी ज्वाइन तो कर ली, 4-5 महीने उसमें काम किया, हायरिंग की कोई 100 लोगों की, और अपनी तरफ से जितना हो सकता था बेस्ट काम किया। फिर मेरा निकाह हो गया और हम हनीमून के लिए मलेशिया गए। मलेशिया में मैं था वजी भाई, जब एक दिन मुझे ईमेल्स आना बंद हो गए। तो मैंने ईमेल्स चेक की फोन पे कि यार मुझे ईमेल किसी भी किस्म का नहीं आ रहा है, तो गलत बात है, मुझे हर डिपार्टमेंट का ईमेल आता है। तो मैंने अपने आईटी वाले को वहां से फोन किया कि यार मेरा ईमेल नहीं चल रहा, जरा चेक करना क्या हुआ। तो उसने मुझे बताया कि सर द ऑफिस इज क्लोज्ड, और आप ईमेल की बात करते हैं वहां पे तो एक तार नहीं छोड़ी उन्होंने। मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हो। ये वो वक्त है जब उन्हीं दिनों में हमारा ऑफिस भी मैरियट के बिल्कुल आसपास था, और उन्हीं दिनों में सलमान तासीर साहब का मर्डर हुआ था बिल्कुल मैरियट के पास कोसार मार्केट में। तो हमारा ऑफिस भी उसको रेड जोन के अंदर कहा जाता है इस्लामाबाद में, जो रेड जोन में वहां एम्बेसीज वगैरह भी बहुत है, तो शट डाउन कर देते हैं फॉरन, रेड जोन को कॉर्डन ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते। तो वो कहीं उन दिनों में मर्डर की वजह से बंद हुआ था, ऑफिस को छुट्टी मिली थी, और मेरे तमाम एम्प्लॉयज को और तमाम इक्विपमेंट को मेरे एम्प्लॉयज को फायर कर दिया गया जो कंपनी के मालिक थे, और हमें कहा जी कि बस आप लोग कर जाए, और ना मेरी सैलरी ना किसी और की सैलरी। ये तब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली जब मैं हनीमून पे और क्रेडिट कार्ड के ऊपर अच्छा खासा बिल बना रहा हूँ और मेरी वाइफ भी ऑब्वियसली, एंड माय मैरिज वाज एन अरेंज्ड मैरिज, कोई लव शव नहीं था। तो उनको भी जारी बात है बहुत बड़ा धचका पड़ा कि भाई मैंने तो एक यू नो चलो नोकिया के एम्प्लॉय या सीईओ से शादी की थी, तो ये क्या हो गया। खैर हम लोग वापस आए और पता लगा कि वो एक इन्वेस्टर मनी का बेंचमार्क उन्होंने मालकान ने हिट किया, और उसके बाद वो गायब हो गए इन्वेस्टर मनी ले। बहुत से अपने दोस्त और हमारे कॉमन फ्रेंड्स भी थे जिनके सबका पैसा, आई एम सॉरी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में चला गया। नहीं नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो वहां से बहुत टाइट किस्म की आजमाइश शुरू हुई, बिकॉज आई केम होम टू नथिंग, और मेरी बेगम जो थी वो उस वक्त जॉब कर रही थी, जो जॉब छोड़ने का सिलसिला था उनका, इरादा था हनीमून से वापस आके, क्योंकि फिर मैं कमा रहा हूँ और अच्छा कमा रहा हूँ तो उसको क्या जरूरत है। लेकिन उसको जॉब फिर कंटिन्यू करनी पड़ी बिकॉज मेरे साथ ये सिलसिला हो गया। तो ये फौरन एक नौ ब्याहता जोड़े के ऊपर ये स्ट्रेन आया कि मेरी इनकम जीरो हो गई, और उस पीरियड में फिर, और जाहिर बात है जब आप मिडिल मैनेजमेंट में कहीं पहुंच जाते हैं तो नई नौकरी मिलना इतना आसान नहीं होता। अब 2-2.5 लाख कमा रहे हैं तो मैनेजेरियल पोजीशन ही सिर्फ आती है। सो मेरे तमाम दोस्तों ने कहा यार क्या करें, मैं कुछ हमारी नौकरियां ले ले और क्या कर सकते हैं, कहाँ से जगह बनाए। बट अप्लाई किया जगह जगह, रोज कुछ मेहनत की सब कुछ किया, और इस सब में जारी बात है वो डिप्रेशन जो है वो आना शुरू हो गया था। नई शादी है, जॉबलेसनेस हो गई है, हम लोग पिंडी में रहते थे, वो इस्लामाबाद में थी, उसको इस्लामाबाद छोड़ के पिंडी आना पड़ा, लेकिन नौकरी की वजह से रोज इस्लामाबाद उसको जाना पड़ रहा था ऑफिस के लिए। तो ये सारे दिमागी स्ट्रेस, और उसके बीच में फिर अल्लाह ताला ने ऐसी आजमाइश डाली जिसकी समझ मुझे आज तक नहीं आई। वैसे शायद इंसान का बचा ही बनाना था, लेकिन उस आजमाइश की नौयत जो थी वो बहुत ही अलग। मैं एक एक्सीडेंट में मुबतला हो गया जिसमें मेरी लोअर स्पाइन की जो डिस्क है वो ऑलमोस्ट रप्चर होने वाली थी, वो ट्वाइस इट साइज हो गई, और जिसकी वजह से मैं 3-4 महीने तक ऑलमोस्ट वेस्ट डाउन जो है वो पैरालाइज हो। और अब ये वही सिलसिला चला जिसमें बेगम ने ऑफिस भी जाना है आना है, मैंने विथड्रॉ करना है, और मैं अपने आप को इस तरह भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा था कि कुर्सी पे बैठ सकूं या फिर नीचे हो जाऊं। आई कंप्लीटली गॉन, पैरालाइज्ड, शदीद पेन। वो 3-4 महीने में फिर नंबर वन टॉपिक ऑफ डिस्कशन ऑल द टाइम मेरे घर में और इन लॉज में और मेरे और आमना के बीच, ये पेन क्या है, ये शाटका की एक एक्सट्रीम फॉर्म है, इसकी सर्जरी करवानी है नहीं करवानी, स्पाइनल सर्जरी से पूरी दुनिया डरती है और रिकमेंड नहीं करती कि स्पाइनल सर्जरी होनी चाहिए स्पेशली यंगस्टर के केस। हमने सब कुछ किया, ऑक्यूपेंचर ट्राई किया, फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी, कपिंग ट्राई की, इसको हजामा बोलते हैं, एवरीथिंग, एक लम्हे का भी सुकून ना मिला। और इस सब में
जब नौकरी गई थी तो मैंने एक एफर्ट अपनी तरफ से दोबारा मारा था, थिएटर तो हो नहीं रहा था, लेकिन मेरा बहुत अरसा पहले एक रेडियो पे भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा था। तो एक छोटे से रेडियो चैनल ने मुझे एक ऑफर कर दी, कुछ मेरे हाथ से 800 रुपए पर शो, 900 रुपए पर शो, हफ्ते में 4 शो 3 शो। मैंने कहा कुछ तो करूं ना, ये मैंने शुरू कर दिया। अब जब ये बैक का मसला हो गया तो मैंने कहा यार अब मैं अपने शोज से भी जाऊंगा, और शोज भी मैंने अपने बड़े खास मजे के बनाए थे। मैं जनरल नॉलेज बेस्ड और वोकैबुलरी बेस्ड गेम्स खेलता था रेडियो, लोग कॉल करते थे और उनसे सवाल जवाब का सिलसिला होता था। मौसीकी का शो नहीं था, वो बीच बीच में गाने चलते थे, बट द शो वॉज अबाउट अ गेम शो। तो बड़ी एक लॉयल उसकी फॉलोइंग बन गई थी और मुझे बड़ा मजा आता था, और मेरी यू नो इज्जत नफ्स शो से जुड़ गई थी कि चलो मैं वेला हूं लेकिन कुछ कर रहा हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ कमा भी रहा हूँ और कर रहा हूँ। तो जब बैक का मसला हुआ, मैं टांग को अपनी लेफ्ट लेग में सबसे ज्यादा पेन था, उसको मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, और डेली कोशिश करता था तो एक नई सूरत हाल निकलती थी, कभी सुन हो जाती थी, कभी गायब हो जाती थी टांग, 2 कदम चलता था गिर जाता था, अजीब गरीब हाल। तो मैंने उस कंडीशन में भी मैंने कहा यार रेडियो शो मैं नहीं छोड़ सकता, ये मेरी वाहिद सेल्फ एस्टीम इससे जुड़ी। वो बेवकूफी थी क्योंकि वो करने की वजह से अब वो मैं जाता था, मेरा एक ड्राइवर टाइप इंसान रखा उन हालात में भी, उसको पैसे जितने रेडियो से कमाना था वो उसको करा देता था, तो वो मुझे ड्राइव करके ले चले जाता था इस्लामाबाद ऑल द वे पिंडी से शो करने के लिए। और हमारा एक बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पे स्टूडियो था जिसकी लिफ्ट अक्सर बंद होती थी। जब लिफ्ट बंद होती थी तो मुझे वो उठाता था हमारा ड्राइवर और स्टूडियो के अंदर लेके जाता था, और जो हमारा वहां का स्टूडियो इंजीनियर था वो फिर माइक और मिक्सर वगैरह ना, मैं जमीन पे लेट जाता था, मुझसे बैठा नहीं जाता, माइक और मिक्सर वगैरह जमीन पे रखता था और माइक को मोड़ करना, ऐसे स्नेक माइक उसको बोलते हैं, वो मोड़ कर मेरे मुंह पे सामने प्लेस करता था कि मैं लेटे लेटे जो है वो शो कर सकूं। सो ये अगेन शायद पैशन कमिटमेंट की एक हद थी, लेकिन साथ साथ नुकसानदेह थी क्योंकि इतनी ज्यादा बैक को उस वक्त यूज करने से वो मेरी नर्व डैमेज और ज्यादा होता गया, और स्टैटिक नर्व जो है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो रही थी। सो वन फाइन डे मैं गिर पड़ा और फिर उसके बाद ना उठ पाया, और वो भी मैं सेंटर ऑफ द रोड गिर गया, ब्लू एरिया रोड निकला हुआ था साले के साथ और कोई काम कर रहे थे, और रोड क्रॉस करते करते मैं गिर गया। शुक्र है इतनी कोई बिजी उस वक्त रोड नहीं थी, गाड़ियां रुक गई, साले ने उठाया, ड्राइवर ने उठाया, तो जिसने घर जाके रिपोर्ट किया कि भाई ये तो गिर पड़े हैं, एनी कुडंट मूव, सड़क के बीच में गिर गए। तो तब फिर हमने कहा कि हमें न्यूरो सर्जन को दिखाना पड़ेगा, और उस वक्त हम एक बहुत अच्छे बड़े हॉस्पिटल के हेड ऑफ न्यूरोलॉजी से सिफारिश करवा के उनसे अपॉइंटमेंट ली, और उन्होंने जब देखा, उन्होंने MRI देखा तो उन्होंने कहा यार किधर फिर रहे हो, तुम इस टांग से जाया हो जाओगे, तुम इसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकोगे, तुम्हारी ये शाटिक नर्व को, ये तुम्हारी स्पाइनल डिस्क है, ये सारी डिस्क ऐसे लाइन में आ रही है, और लास्ट वाली जो वो इतनी बड़ी हुई थी स्वेल हो, कहते ये जो एक्सेस है इसको काटना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल लूज ऑल कंट्रोल ओवर योर बॉटम हाफ। तो हमने फिर वो सर्जरी कराई जनाब, और सर्जरी जब करा ली तो शुक्र है वो दर्द सारा चला गया और मसला एज सच हॉल हो गया, लेकिन आज तक मेरी स्पाइन एबनॉर्मल है, मुझे दर्द होता है, वो तो मैं ज्यादा से ज्यादा उसको परिश करने की कोशिश करता हूँ और फ्लेक्सिबल रखने की कोशिश करता हूँ। जब ये सिलसिला हो गया मेरे भाई, उसके बाद मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया और अल्लाह ने फिर मदद की। एक छोटी सी नौकरी, पहले मैं 2-2.5 लाख 3 लाख ऑलमोस्ट पे पहुंच गया था, तो पहली ही ईमेल का जो जवाब आया किसी एक नौकरी के सिलसिले में वो थी कोई 60-70 हजार, जिसको मैंने ओके कर दिया कि अब करना तो पड़ेगा। और वो नौकरी की थोड़ा अरसा, तो जो मैं शो कर रहा था रेडियो पे, अब देखें अल्लाह कैसे सिलसिले जोड़ता है, जो मैं शो कर रहा था रेडियो पे उसकी वजह से मुझे PTV से कहीं बैठे बैठे कॉल आ गई, क्या आप ये अंग्रेजी का शो करते हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं, तो हम
अंग्रेजी चैनल लॉन्च करना चाह रहे हैं पीटीवी वर्ल्ड के नाम से, आज भी चल रहा है वो, और आज भी अगर वो चैनल लगाए पीटीवी वर्ल्ड तो आधी से ज्यादा चीजें उसमें आपको मेरी आवाज सुनाई देगी, और मैंने लिखाई भी उसमें बहुत। तो मैंने कहा ठीक है जी पीटीवी वर्ल्ड की नौकरी कर लेते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, परमानेंट तो रखते नहीं है। वो नौकरी की और वो दिलो जान से फिर की उसकी हर चीज में। मैंने एक पीटीवी जैसे इदारे में जिसमें बहुत कम काम किया जाता है, वहां मैं रात के 10 10 12 12 बजे बैठ के ग्राफिक्स पे काम कर रहा हूँ, प्रोमोस पे, प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे, लिख 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 लिख। और 4 5 महीने के अंदर अंदर मैंने एक चैनल खड़ा कर दिया, तैयार कर दिया। जरदारी साहब की उस वक्त हुकूमत थी, वो खत्म हुई है, चैनल लॉन्च उन्होंने किया अपने हाथ से, और चैनल लॉन्च के मेरे ख्याल से 2 3 दिन बाद उनकी गवर्नमेंट खत्म हुई है। और मेरे चैनल का जो एमडी थे उस वक्त, एमडी भी एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है, तो वो जरदारी साहब के साथ साथ वो भी एग्जिट कर गए, और जो नए एमडी साहब आए, जब तक उन्होंने आना था तो तब तक मैं एक बिन माँ बाप के एम्प्लॉय पीटीवी में फिर रहा था, कि मेरा कोई वली वारिस नहीं था कि मैं क्या करूं, किसको रिपोर्ट करूं, कि मैं एमडी को रिपोर्ट कर रहा था। और जितनी मेहनत से वो चैनल लॉन्च किया था उतनी ही फिर फरागत पीटीवी में बैठे बैठे हो गई, और मैं बहुत तंग आ रहा था कि ये मैंने तो मेहनत करने आया था या काम करने आया था, बैठा था वो चैनल हेड, मैं क्या। और इतने में जो थिएटर मैंने 5 साल किया, 5 6 साल पहले, उसका मेरा एक जानने वाला एक दोस्त जो है वो जो प्रोड्यूसर था, उसने आके फिर ऑफर की कि हम लोग थिएटर कर रहे हैं कराची में और बड़ा अच्छा चल रहा है, आंगन टेढ़ा वो उस वक्त कर चुके थे और बड़े अच्छे अच्छे टिकट सोल्ड किए थे, 100 100 शोज किए थे और बड़े महंगे महंगे टिकट बेचे थे, 1000 1500 टिकट बेचे हैं, और तो हम बड़ा अच्छा पैसा कमा रहे हैं। एंड नाउ वी वॉन्ट टू डू अ प्ले जिसमें कायदे आजम की जरूरत है, और हमें एक दो दफा कायद यूज कर चुके हैं, वो मजा नहीं आया, तो वी थिंक यू कैन डू इट। मैंने कहा यार मैं नौकरी पेशा इंसान हूं और बड़ी मुश्किल से वापस पैरों पे खड़ा हूँ, पीटीवी में मैं 1 लाख रुपए 1.5 तक वापस आ गया था, और मेरी बीवी है अब एक, और बड़े मुश्किल से हमारी मैरिज बड़ी मुश्किलों के थ्रू गुजरी है, तो अब आई कांट गो एंड डू थिएटर नाउ यार। तो उसने एक बड़ा अच्छा मंथली पैकेज मुझे ऑफर कर दिया कि तुम सैलरी की तरह समझो, नौकरी की तरह इसमें आ जाओ। अब मेरा दिल, चूंके दिल थिएटर के और परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ इसलिए था क्योंकि उसमें मुझे मालूम था कि मेरा फुल पोटेंशियल यूज होता है, जितना पोटेंशियल मेरे पास है वो नौकरियों में कम यूज होता है, थिएटर में बहुत और परफॉर्मिंग आर्ट्स में बहुत यूज होता है। तो मैंने बेगम से डिस्कस किया, बेगम ने कहा जहां इतने रोड़े चल रहे हैं तुम्हारी जिंदगी में तो तुम जाओ थोड़ा सा थिएटर कर लो, मैं नहीं जा सकती, मुझे नई नई एक नौकरी, उसको बड़ी अच्छी नौकरी ऑफर दी पाकिस्तान टबैको में, व्हिच इज अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन और बड़ी उसकी डिजायर्ड जॉब होती है, तो वो भी एक और इम्तिहान था कि ठीक है तुम यहाँ रहो मैं जाता हूँ। यहाँ आया वजी भाई और फिर थिएटर करना शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने 2 3 प्लेज किए 1 साल में, जिसमें मैं 2 3 दफा कायदे आजम बना के, और बीच में कॉमेडी हमने, और ये तमाम सिलसिला अनवर मकसूद साहब के प्लेस थे, 14 अगस्त 14 अगस्त, तो बीच में हाफ प्लेट था उनका, तो वो चूंकि अनवर साहब के प्लेस थे तो वो मल्टी प्लैटिनम हिट गए, 150 150 परफॉर्मेंसेस, एवरी डे थिएटर चल रहा है, एवरी डे हॉल पैक, और फिर बहुत सारी टेलीविजन इंडस्ट्री ने, मुझे तो नहीं मालूम था, उन्होंने आके देखा प्ले। तो उस साल 1.5 साल में जब मैं थिएटर कराची में कर रहा था तो मुझे टीवी इंडस्ट्री से कॉल्स आना शुरू हो गई कि आप तो हमने स्टेज पे देखा है एज कायदे आजम, तो आप प्लीज आए हमसे मिले, हम ऑडिशन करें ये वो। मेरे वहमो गुमान में मेरे था कि मैंने ड्रामा कभी करना है, आई सेड नो मैं तो थिएटर करता हूँ और ये भी बस मैं करके वापस चला जाऊंगा सर। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि अगेन अल्लाह का प्लान ही प्ले में आया कि मैं मुझे उस थिएटर ग्रुप से थोड़ा जल्दी एग्जिट करना पड़ गया, और एक नाखुशगवार सिचुएशन में मुझे एग्जिट करना पड़ गया, और मेरे इस्लाम उसके बाद मैं कराची में लिटरली लिटरली आई वाज ऑन द स्ट्रीट, बिकॉज उन्हीं ने ठहराया हुआ था, उन्हीं के पास रहते थे, वही उन्हीं से फूड अकोमोडेशन ट्रैवल लॉजिस्टिक्स गाड़ी बाड़ी सब उनकी थी। तो जब उनसे सिलसिला एक खत्म हुआ तो मी एंड माई वाइफ वर स्टैंडिंग ऑन द रोड, व्हाट डू वी डू नाउ, और वो मैंने ही एक तरह से डिसीजन लेके खत्म कर दिया था, बिकॉज बस आप यूं समझ लें कि अल्लाह ताला के बहुत सारी लिमिटेशंस के खिलाफ
वहां की बहुत आदतें। तो मैंने कहा यार अल्लाह मालिक है, अब तेरे लिए ले लिया डिसीजन, अल्लाह ताला के लिए लिया है। खैर उस वक्त तो मेरी इतनी क्लैरिटी नहीं थी, बट आई न्यू कि मैंने गलत चीज को छोड़ा है। और एक दोस्त एक ही था जिसको जानते थे इस्लामाबाद से, वो कराची में रहता था और उसके अपार्टमेंट में एक कमरा खाली था। उसने कहा यार मैं कमरा रेंट आउट किया करता हूँ 20-25 हज़ार मंथ पे, तुम यहाँ आ जाओ। तो वो मैंने कमरा, उसमें हमने उसी रात अपना दो जो सामान था, हमारा मैट्रेस था, एक साइड टेबल होगी, मैंने और बेगम ने शिफ्ट किया और हम आ तो गए। लेकिन हमने फिर ये सोचा कि हम ना तो कराची के हैं, ना तो यहाँ रिलेटिव्स हैं, ना अब काम है आपका, तो क्या कर रहे हैं आप? तो मैंने कहा यार आज की रात तो गुजारो, सुबह देखेंगे इंशाल्लाह। और सो गए हम जैसे तैसे। और यकीन माने अब इस कहानी का एंड है कि अगली सुबह आई वोक अप विद माई फोन रिंगिंग, और मुझे हम टीवी से कॉल आ रही थी कि हम जानते हैं आप थिएटर करते हैं, आप ड्रामा नहीं करते, लेकिन प्लीज एक दफा आके हमसे। मैंने कहा हाँ अब मैं आपसे आके मिल लेता हूँ। और मैं गया, मेरी हम टीवी मुलाकात ऐसी हुई कि मुझे ऑडिशन ऑडिशन भी ले लिया था उन्होंने छोटा मोटा, लेकिन उन्होंने स्टेज पे देखा हुआ था। बट अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन उन्होंने सिलेक्शन की, उन्होंने आयशा खान के ऑपोजिट डेब्यू दिया। जब वो डेब्यू की शूटिंग हमने शुरू की महरम ड्रामे की, एक दो एपिसोड्स की शूटिंग हो ही गई थी, तो इंटरनली वो लोग ऑब्वियसली एडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं, उनको समझ आ गई कि यार इसको काम आता है, और उन्होंने दूसरा ड्रामा उसी वक्त ऑफर कर दिया। वो तीसरा तीसरा चौथा पांचवा होता गया, एंड द रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। सो एक्टिंग करते हुए वक्त, इस वक्त मुझे 2014 में मेरा पहला ड्रामा आया था, 2020 चल रहा था, 6 साल हो गए हैं एक्टिंग करते हुए। तो आप ये समझ में मजे आए, 6 साल से पहले सिर्फ स्ट्रगल था, और अब जो स्ट्रगल है वो पहला का स्ट्रगल बाहर था, अब स्ट्रगल अंदर है। सो दैट इज द होल स्टोरी। आई एम सो सॉरी मैंने सुनने वालों No, के no, no. कान। नहीं, नथिंग टू बी सॉरी अबाउट. पीपल आर रियली अप्रिशिएटिंग ज़ाहिद भाई. काफी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको सुनना बहुत जरूरी है. देखिए मैंने आपको बात बोली ना, देखिए मैं शो जो आपके साथ करने वाले थे, लोग एक एक्टर को देखते हैं, एक एक चमकती हुई दुनिया को देखते हैं. दे नेवर नो कि उस शख्स ने एक्टिंग से उस जर्नी में कहाँ पहुंचा, उसका ताल्लुक अल्लाह ताला से क्या जुड़ा. देखिए मैं हम सब जो आपके साथ शो कर रहे हैं, वी नो फॉर अ फैक्ट दैट आपका एक दिल अल्लाह ताला से जुड़ा हुआ है, हमारा भी काम अल्लाह ताला के दीन से, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी हैविंग दिस शो. अल्लाह सुब्हान ताला की मोहब्बत, अल्लाह सुब्हान ताला से जुड़ना. ना आप परफेक्ट हैं ना मैं परफेक्ट हूँ, बट द पॉइंट इज व्हेन पीपल गेट टू नो अबाउट आवर लाइव्स, अबाउट अ जर्नी. हमने भी एक लाइव शो किया था अबाउट आवर स्पीकर्स जो यूथ क्लब के हैं, कि हम किस तरह से दीन की तरफ आए, और यू नो इट हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल. और ये बहुत जरूरी है लोगों को, बिकॉज यहाँ पे गाइड करने के लिए ज़ाहिद भाई कोई लोग नहीं है. आप एक इंपॉर्टेंट रोल अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ के आप जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, लोगों से बात करते हैं, उनको काउंसिल करते हैं उनको, और ये बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंट रोल है जो आप जिंदगी में अदा कर रहे हैं, और ये लोगों को तक पहुंचना जरूरी है ज़ाहिद भाई. बिकॉज हमारे पास कोई इदारा नहीं है, हमारे पास कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है जहां पे लोगों को, यूथ को गाइड कर सके. And that is the reason why they're having the show with you. They need to listen to you. They need to be able to listen to you, because maybe शायद आप जी जी बोलिए. नहीं सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। बोलिए. मैं अपनी सारे सुनने वाले यूथ को जरूर कहना चाहूंगा कि ये सब स्ट्रगल तो हो गया, और एंड में आई गेस जो मैं बजाही तौर पे चाह रहा था वो मिल गया। लेकिन बहुत जरूरी है मेरे लिए पॉइंट आउट इस वक्त करना कि इस स्ट्रगल मुझे अल्लाह ताला के एहसास के करीब नहीं लेकर आया। इस सब कुछ कर लेने के बाद जब अल्लाह ताला ने वो सब दे दिया जिसके लिए मैं दुनियावी एफर्ट में और अपनी सिंसेरिटी में इस तरह से लगा हुआ था कि उसका दुनिया में हिसाब तो मुझे दे दिया, उसके बाद जब सब मिल गया तो तब जिस तरह अल्लाह ताला कुछ लोगों को से लेकर आजमाता है, कुछ को देकर आजमाता है, तो जब सब दे दिया ना भाजी, उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे पास सब कुछ है लेकिन मेरे पास हकीकी सुकून क्यों नहीं आ रहा? व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट इज मिसिंग? एंड देन आई स्टार्टेड प्रेइंग एंड वर्शिपिंग, तो उसमें लुत्फ आया। लेकिन यहाँ पे पॉइंट करने वाली बात यह है कि
अगर मैंने स्ट्रगल के दिनों में भी अल्लाह से रुजू किया होता तो मैं स्ट्रगलर्स को आज ये कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आप अपनी स्ट्रगल्स को सिर्फ अपनी अकल और अपनी एफर्ट से फाइट करो, आप अपने प्रोसेस को मेरे ख्याल से बहुत क्विक कर सकते हो कि आप पहचान लो एट द एंड ऑफ द डे जिन्होंने जो गुजर चुके हैं और पा लिया और वो आपसे ये कह रहे हैं कि दिया असल में सब अल्लाह ताला है, वो आप अभी स्ट्रगल के दौरान उसको पुकार लो, उसके उसकी जो उसने जो मांगा वह कम से कम सिर्फ वो तो उसको ऑब्लिगेशन सिर्फ पूरी करनी शुरू कर दो, एक ताल्लुक जोड़ना शुरू कर दो, तो मेरे ख्याल से आपका प्रोसेस जो है वो इजियर हो जाएगा। और हमने जितना मैंने एटलीस्ट जितना लेट उसकी तरफ आया हूं तो वो शायद अवॉइड किया जा सकता है। तो अभी जाहिद भाई क्या आप प्लान कर रहे हैं रिलीजियस एस्पेक्ट में एक लोगों को दावत देने का, खाली वीडियोस है या आप आर यू प्लानिंग टू गो टू यूनिवर्सिटीज और बी एबल टू डू एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रिगार्डिंग गाइडिंग द यूथ, कुछ ऐसा इरादा है जो आप शेयर करना चाहते हैं जो आप अपनी इस जो अल्लाह ताला ने सक्सेस जो दी है थ्रू द मीडिया, कुछ रोल प्ले करना जो प्लान है, एनीथिंग दैट यू डूइंग व्हिच यू वुड लाइक टू शेयर विद द यूथ? यार मैं ऑनेस्टली बताऊं वजी, तो एक तो जो मुझे ऐसा ऐसा चीज समझ आ रही है कि इंसान के प्लान्स डोंट मैटर एट ऑल, तो मैंने एक्चुअली प्लानिंग करना छोड़ दी है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे आपने मुझे उस दिन कॉल की और आपने कहा मैं आपको सैंपल वगैरह भी भेजता हूँ और ये वो, मैंने कहा नहीं आप मुझे वो लिंक भेजो जिसपे मैंने आना है। तो अब मैंने रेडिली अपने आप को अवेलेबल करना शुरू कर दिया है कि व्हाटएवर द यूनिवर्स इज गिविंग टू मी इज आस्किंग ऑफ मी आई विल डू दैट। और जहां तक यूनिवर्सिटीज और इन चीजों का ताल्लुक है तो कराची में तो मैं चुटकी बजाते हुए रेडी हो जाता हूँ अपने आप को, बिकॉज आई थिंक CBM की टॉक से सिलसिला शुरू हुआ था और CBM के बाद बेतहाशा यूनिवर्सिटी से ऑफर आई थी अक्रॉस द कंट्री, but then this corona thing happened, so wo sirf thoda ruk gaya. But what I'm planning on doing is ke videos to main definitely inshallah bhi ye lockdown ka ab to aasani ho gayi hai, ab videos ki taraf dobara jaunga, uska thoda sa setup different karke, because you see main ek cheez bade clear kar dena chahta hu, mujhe videos banane ka aur logon se connect karne ka objective har kis ye nahi tha ke चलो मैं इस टॉपिक पे बात करूं, चलो मैं इस टॉपिक पे बात करूं। बहुत आसान है वो करना, आप बेतहाशा मुस्लिम स्कॉलर्स हैं आप और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, आप सब पे बात कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से जिस चीज की वजह से मुझे देर लगी इस रास्ते में आने से, और आई एम श्योर कि यूथ को भी लॉजिकली चीज को बात किया जाए, डिस्कस किया जाए, तो वो बहुत सारे हमारे जो स्कॉलर्स हैं जिनका सालों साल का जिंदगी भरों का तजर्बा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बात तो बड़ी प्यारी करते हैं और दीन के ऊपर जब बात करना शुरू करते हैं तो रेलगाड़ी की तरह वो निकल जाते हैं, बट यूथ कैन नॉट रिलेट विद अ लॉट ऑफ दीस पीपल। सो मैं सिर्फ उन चीजों पे बात करता हूँ जो मैंने प्रैक्टिकली की है एंड दे हैव हेल्प्ड मी, दे हैव वर्क्ड फॉर मी, and that is what I'm now just doing. So, आज अगर मुझ जो लोग सुन रहे हैं मैं उनको एक एडवाइस अगर दे पाऊं तो वो ये होगा कि अपनी अकल से, अकल में खुदा नहीं आ सकता, तो छोड़ दो। अगर कोई फंडामेंटल इश्यूज है ना, कोई लॉजिकल इश्यूज है कि खुदा ने ये क्यों किया, वो क्यों किया, ये क्यों बनाया, वो क्यों बनाया, अच्छी बात है क्यूरियोसिटी होना, लेकिन इनके जवाब आपके अकल में आ नहीं सकते, सो डोंट वेस्ट टाइम ऑन दीज क्वेश्चंस। बिकॉज मैंने एक अपने CBM के टॉक में भी एग्जांपल दी थी कि एक लेट्स से आपने कंप्यूटर बनाया, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर आपने कंपाइल किया है, आप अपनी मर्जी से उसके अंदर आपने हार्ड डिस्क डाली है, रैम डाली है, प्रोसेसर डाला है, ठीक है, प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब दिस कंप्यूटर इज फुल्ली केपेबल ऑफ रनिंग इट्स ओन सिस्टम, इसमें प्रोसेसर डल गया तो वो अब
अपनी विंडोज को, अपनी हार्ड ड्राइव को बेहतरीन तरीके से वो ऑपरेट कर सकता है। ये एक इंसान है, एक इंसान की मिसाल इस कंप्यूटर से है जिसका प्रोसेसर यहाँ लगा हुआ है, इट इज द ब्रेन। एंड लेट्स से फॉर आर्गुमेंट से कि हार्ड डिस्क जो है वो दिल है। अब ये काम आप बेहतरीन प्रोसेसर लगा लें और जबरदस्त काम करेगा, लेकिन जब कोई मसला आएगा हार्डवेयर के अंदर, तो दुनिया का कोई प्रोसेसर जो है वो ये नहीं कर सकता कि वो सीपीयू से बाहर आए और वो गाड़ी में बैठे और वो मार्केट जाए और वो नई हार्ड डिस्क खरीदे और वो ला के अपने सीपीयू टावर के अंदर लगा दे। ये कोई प्रोसेसर नहीं कर सकता। ये जो उस कंप्यूटर के बाहर बैठा उसका मालिक है, वो कहेगा इसकी हार्ड डिस्क खराब है और वो प्रोसेसर का एरर देगा ना, जब प्रोसेसर जब एरर देगा कि हार्ड डिस्क मैल फंक्शन, तो तब मालिक का अच्छा एरर दिया है तो चलो मैं इसकी हार्ड डिस्क निकालता हूं और मैं नई ला के लगा। तो ये है हमारा रिश्ता अपने अल्लाह ताला से, वो क्रिएटर है, वो हमारी हार्ड डिस्क में नहीं समा सकता, हमारी सोच के सिस्टम्स में नहीं आ सकता, क्योंकि हम अंदर बैठे हैं एक क्रिएशन के, वो बाहर है क्रिएशन से। सो वो हमें समझ, हम क्या करते हैं, हम दुआ मांगते हैं, हम अपना एरर ब्लिंक मारते हैं कि या अल्लाह दिल मर गया, सुकून निश्ता समझ में कुछ नहीं आ रहा, टेक ओवर टेक कंट्रोल, एदना सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधे रास्ते पे चला दे। हम जब वो फरियाद मारते हैं तो अल्लाह कहते हैं ठहर जा, अब तू छोड़ दे, अब मैं लाके तेरी आहिस्ता आहिस्ता क्लीनिंग शुरू करूंगा, तेरे ब्रोकन पार्ट्स को रिपेयर करूंगा। और मैं अपने आज दोस्तों को यही बताना चाहता हूँ कि मैं जो जाहिद था पिछले 2 साल पहले, मुझे अगर अपने गुनाहों पे उस वक्त कंट्रोल नहीं था या अपनी नमाज में उस कदर मेरी पैशन नहीं था, तो आज वो सिचुएशन चेंज हो चुकी है मेरे दोस्तों। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वक्त लगता है और जो चीजें हमारे बस में नहीं थी आज वो हमारे बस में आ चुकी हैं। सो व्हेन यू मूव टूवर्ड्स अल्लाह सुभान व तआला, ही मूव्स 10 times क्लोजर टू यू। एंड व्हाट दैट मींस इज कि फिर गुनाह करना मुश्किल हो जाता है, मान नहीं सकते आप, गलीज चीज को देखना सुनना, वक्त को ज्यादा जाया करना, गाली गलोच मुंह से निकल जाना, गलाजत एनी सॉर्ट, इसमें बड़ा एफर्ट लगना शुरू हो जाता है, फिर यू कांट डू इट। दीज आर द चेंजेस दैट रिलीजन विल ब्रिंग इन योर लाइफ प्रैक्टिकली, एंड दैट इज व्हाई कि वो सिर्फ सवाब गुनाह के तराजू में आप नहीं रहते कि हाय मैंने नमाज नहीं की मुझे सवाब मिलेगा, नहीं बेटा, उस वक्त फिर आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं ना कि मुझे नमाज ने मेरे लिए आसान कर दिया है गुनाह से दूर रहना और अच्छाई की तरफ बढ़ते चले जाना। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जाहिद भाई। कुछ लोग पूछ रहे हैं, व्हाट डू योर अदर कोस्टार से अबाउट योर कनेक्शन टू अल्लाह सुभान व तआला, डू यू टॉक टू देम अबाउट इस्लाम एंड इट्स ब्यूटी, क्या रिएक्शन होता है? जाहिर बात है आप भी बात करते हो दीन के बारे में, तो इसके सवाल का क्या जवाब देंगे, क्या रिएक्शन होता है कोस्टार का? यार देखिए, इतना मजे का सिलसिला है ना कि अल्लाह ताला हर चीज को, हर इंसान को जरिया बनाता है, क्योंकि कितना आसान होता अगर अल्लाह ताला खुद उतर आते हैं, तो फिर तो जिंदगी का नेचर जो इम्तिहान है वो तो रहता ना, या कितना आसान होता फरिश्ता भेज देते। तो वो टाइम अभी फिलहाल जा चुका है फरिश्ते जमीन पे उतरने वाला, आखिरी आखिरी वैसे भी दुनिया का वक्त चल रहा है, इसमें इंसानों के थ्रू ही सब कुछ होता है, वो जरिया बनते हैं, चाहे आपको इंसान पसंद हो या ना। आज ये शो जो है इसमें वजी भाई मेरा जरिया बने शो पे आने का, मैं इनका गेस्ट बना, 4 सुनने वाले हैं, शायद उसके दिमाग में अभी कोई ताला खुल गया, उसको शायद ये बात समझ आ गई हो कि मेरी अकल में तो नहीं आता, तो ये बात ठीक कर रहा है, फिर इसको आजमा लेना चाहिए। सो मेरी इंडस्ट्री में रहते हुए वो लोग जिनको चाहत है, जिनका दिल बेदार है और वो उसकी आवाज को दबाने में अब मसरूफ नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो दबाते चले जाते हैं ना, दबाते चले जाते हैं। तो आपका भी एक्सपीरियंस होगा वजी भाई कि अगर आप एक सर्टन एज के बाद, आई थिंक दिस इज अ मैजिकल विंडो बिटवीन 35 एंड 40 और मे बी 30 एंड 40, ये बड़ा एक मुझे तो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि इसमें एक
एक नई पर्सनालिटी डाउनलोड होने की कोशिश कर रही होती है, अब वो आप उस वक्त उस नई पर्सनालिटी का किबला कहाँ लेकर जाते हैं ये आपकी उसके ऊपर है। क्योंकि मैंने ये नोट किया कि कुछ लोग उसकी नई पर्सनालिटी और अपने नई कॉन्शियसनेस का की सही पहचान कर लेते हैं और वो सही तरफ चले जाते हैं, वो अल्लाह को पुकार लेते हैं कि ये जो पिछले 30 साल में सीख लिया, इससे मैंने ये सीख लिया कि मैं मेरे ऊपर छोड़ोगे तो मैं बिगड़ता चला जाऊंगा सिर्फ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिर उसको रिजिस्ट करते हैं कि नहीं, मैंने सिर्फ ये सीखा है कि मुझे ये चीज एंटरटेन करती है, ये चीज मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है, तो मैं मजीद डिस्ट्रैक्शन की तरफ ही चलता चला जाऊंगा। तो जो तो मेरे इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं वो कम ही हैं जो नहीं मानते डिस्ट्रैक्शन को और डिस्ट्रैक्शन से बेजार है और कहते हैं कि यार पार्टी भी कर ली, ड्रिंक भी कर लिया, सब कर लिया ब्रो, इसमें चैन नहीं है। तो वो फिर उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी डिस्कशंस रहती हैं और बड़ा दोनों को फायदा होता है। बट मोस्टली जैसे मैंने कहा, मेरा वो प्रोफेशन है जिसमें सबसे ज्यादा आजमाइश है, आप खो जाते हैं रंग रंगियों में, तो ध्यान फिर कम जाता है। एक और सवाल है जाहिद भाई, कुछ न्यू डॉन सवाल पूछ रहे हैं कि डू यू थिंक अ मीडिया स्पेशली ड्रामा इंडस्ट्री शुड फोकस ऑन रिलीजियस कंटेंट मोर बिकॉज पीपल आर टेकिंग टू मच फ्रॉम ड्रामास। हमारे पास आपको पता है ड्रामास का कंटेंट, तो आपको लगता है हमें इस बात पे कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है, फोकस करने की जरूरत है और इन चीजों की तरफ हाईलाइट, बिकॉज अभी रिसेंटली यू नो नॉट गेटिंग इन टू द होल फैक्ट के ऑथेंटिसिटी और अर्तुगरुल का ड्रामा ने बहुत एक इंस्पिरेशन कर दी बहुत से लोगों के लिए, तो इट कैन बिकम अ चेंज फॉर पीपल टू बी एबल टू कम अप विद हिस्टोरिकल फिगर्स। तो क्या आपको लगता है इसको करना चाहिए, क्या इसके लिए कुछ किया जा रहा है, क्या आप ऐसी चीज के ऊपर कुछ करना चाहेंगे? यार आप लोगों से दुआ की तलब है कि आप दुआ करें, मुझे अल्लाह ताला एबिलिटी दे, और मेरा खुद इरादा तो जरूर है और मैं 110% ये जो हमारे भाई हैं जिन्होंने कमेंट किया, पहले तो इनके तालियां बजाना चाहूंगा कि आपने बिल्कुल सही जगह हिट किया है। आर ड्रामास एंड फिल्म्स शुड टेक द स्टोरीज ऑफ आर रिलीजियस आइकॉन्स। अगर हम प्रॉफिट्स की तरफ नहीं भी जा सकते इतनी हमारी अगर ऑथेंटिक अभी रिसर्च या नहीं अलाउ करती हमें, तो आप हमारे बहुत सारे और सलाउद्दीन अयूबी हैं, उनकी लाइफ के ऊपर बनाई जा सकती है। एंड 110% मैं इस बात से अग्री करता हूँ कि हम रिलीजियस कॉन्टेंट ड्रामों में भी आना चाहिए और फिल्मों में भी आना चाहिए, और अर्तुगरुल की सक्सेस को मैं होल हार्टेडली एक्सेप्ट करता हूँ, और ये बहस भी मेरे नजदीक बहुत ही शेमफुल और बेकार बहस थी जो कुछ आर्टिस्ट ने की थी कि ये फॉरेन कंटेंट चलाया जा रहा है और हमारी नौकरियां का जाए, अस्तग़फ़िरुल्लाह। पहली बात तो ये, आप अपने काम में अच्छे हो तो आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी, और दूसरी बात ये कि हमें तो शर्म आनी चाहिए कि हम एक मुसलमान मुल्क होते हुए ऐसा कॉन्टेंट नहीं बना रहे। और इसमें अगर कोई काम की बात की जाए तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए पीटीबी की, क्योंकि आपको मालूम होगा कि आपके बिजली के बिल में पीटीबी की फीस चार्ज की जाती है, 100 रुपया थी जब तक मैं वहां पे था, आई एम श्योर अभी भी शायद 100 ही हो, लेकिन जब से पीटीबी बना है अच्छा तब से आपके बिजली आम बिजली के बिल को गौर से पढ़िएगा, कोई दुनिया का पाकिस्तानी नहीं है जो पीटीबी को फीस नहीं देता। अच्छा, तो आप सोचें 100 रुपए हर महीने हर घर से जब से पीटीबी बना है ये लोग फीस चार्ज करते हैं बीइंग द नेशनल कैरियर, एंड दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी कंटेंट, जीरो प्रोडक्शंस बंद की हुई है पीटीबी। तो मेरी ये क्लिप भी अगर कोई बीच में से काट के प्लीज उसको वायरल करना चाहे तो मेरी तरफ से पूरी इजाजत है कि किसी और तनकीद से पहले कि ये लोग इम्पोर्ट क्यों कर रहे हैं और कॉन्टेंट और ये वो, ये तनकीद होनी चाहिए कि आप प्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहे। एक और सवाल ये कि आवर यूथ मोस्टली फॉलो सेलिब्रिटीज, जाहिद भाई आपका क्या समझते हैं व्हाट आर सेलिब्रिटीज शुड डू फॉर स्प्रेडिंग इस्लाम, कितना उनको करने की जरूरत है, और क्या ऐसी पर्सनालिटीज हैं जिनको हम आपकी तरह शो पे बुला सकते हैं एंड दे कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन टेलिंग द पीपल कि यस बहुत कॉन्टेंट जरूरत है, लोग तैयार है लेकिन हमारे पास यू नो मे बी शायद कमर्शलाइज एलिमेंट
बहुत इन्वॉल्व हो गया है तो उसकी वजह से लोग आते नहीं है, तो क्या रोल प्ले कर सकते हैं सेलिब्रिटीज इन ऑर्डर फॉर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ इस्लाम आपकी नजर में? देखें यार, मैं अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में कुछ स्टेप्स लिए मैंने, जिनको मैं अभी प्रैक्टिकली कर रहा हूँ। यूट्यूब का चैनल बनाया, आपके शो का हिस्सा बना, यूनिवर्सिटीज कॉल कर रही हैं, डिफरेंट फोरम्स बुला रहे हैं। सो यस, इफ सेलिब्रिटीज हु आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ट्रूथ, देखें ढोंग रचाने वाला ये काम हो नहीं सकता। चैरिटी के कॉज के लिए तो आप सेलिब्रिटीज की एक लाइन लगा सकते हैं, क्योंकि नोबडी कैन रियली टेल कि वो दिल से इस चैरिटी को सपोर्ट करते हैं या नहीं। लेकिन रिलीजन के ऊपर बात करना और रिलीजन को आसान बना के लोगों के लिए बात करना कि ये मेरे दोस्तों ये बहुत आसान दीन है, आपने सिर्फ एक रिश्ता कायम करना है और कुछ नहीं करना, और वो रिश्ता जितना कायम करते चले जाओगे तो वो रिश्ता दूसरे एंड से स्ट्रांग होगा, आप कोई फन्ने खान नहीं है। सो हमजा आई बिलीव इज गेनिंग नॉलेज आजकल, एक स्कॉलर से वो ट्रेनिंग में है आजकल डायरेक्टली। फिरोज ने छोड़ दिया है शो बिजनेस, बट आई डोंट नो इफ ही इज कमिंग टूवर्ड्स हिज फॉलोअर्स और एनी सोशल मीडिया के वो कुछ अब कॉन्टेंट लेकर आए या बात करें। बट हाँ, आप जैसे जैसे रिलीजन के पास जाते जाएं तो फिर आपको ऑब्वियसली ये चीजें भी क्लियर होती जाती है कि ऐसे सवालों के जवाब नहीं दे सकते आपके सेलिब्रिटी शुड डू दिस एंड दे शुड डू दिस एंड दे शुड डू दैट, नहीं। तो फिर आपको अपनी जात ही इतनी कमजोर नजर आ रही होती है कि आप सिर्फ ये सोचते हैं कि यार मेरे पास इस वक्त एक्सेस है, मेरे पास कुछ फॉलोअर्स हैं और मुझे अल्लाह ने हिदायत दी हुई है, तो मैं तो कुछ करूं ना यार, एटलीस्ट आई शुड डू समथिंग। और मैं जो मेरा यूट्यूब का कॉन्टेंट था उसकी बनाने की सबसे पीछे मोटिवेशन भी यही थी कि इट इज बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट दैट आई हैव ट्राइड टू मेक इन माय ओन आखरा। जब मुझसे पूछा जाएगा कि भाई तेरे पास चलो और कुछ नहीं, मिलियन फॉलोअर्स तो थे, क्या कहा उनसे? सिर्फ तस्वीरें लगाते गए, लाइक्स बढ़ाते गए, तवज्जो तो थी ना तुम्हारे पास, लोगों की तवज्जो थी, कोई बात कर लेते अच्छी। जो हमने तुम्हें इल्म दिया, तमाम इल्म इल्म अल्लाह के पास से आ रहा है, जो दिमाग में आपका दरवाजा खुलता है वो अल्लाह ताला ने दे दिया कि चलो उसको ये शऊर का हिस्सा बन गया, तो वो शेयर कर दी। तो दैट वाज माय मेन पर्पस ऑफ मेकिंग द चैनल, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे। क्योंकि आप सोशल मीडिया से जितनी मर्जी नफरत करें, मुझे बेतहाशा नफरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक रियलिटी बन गया, एक मीडियम बना हुआ है, पावरफुल टूल है, इसको यूज करें। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, आई नो आपका टाइम बहुत प्रेशियस है जाहिद भाई, कि किसी के सवाल पूछा था, बिकॉज़ द पीपल आर रियली एंजॉयिंग दिस। आई नो मैं बहुत सारे लोगों के सवालात नहीं ले पा रहा, बिकॉज़ आपकी बातें माशाल्लाह से, आपकी स्टोरी एंड ऑल दिस डिटेल इज बेसिकली इंस्पायरिंग अ लॉट ऑफ पीपल। माशाल्लाह बहुत ज्यादा टाइम लगा किया है, तो आप सवालों पे थोड़ा और टाइम लगा सकते हैं। तो ये है कि किसी के सवाल था कि नॉलेज हासिल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आर यू रीडिंग एनी स्पेसिफिक बुक्स, are you continuing the process of learning knowledge? Because maine zindagi mein personally jab meri inclination hui to knowledge played an important role, of course quran zindagi mein bahut ek wo raha, aur uske liye aap kya silsila kar rahe hain, ki you learning from scholars, are you reading on your own, are you reading any specific books, ki aapko koi aisi book ne inspire kiya hai jo aap share karna chahte hain audience ke sath, you would recommend them to be able to read them? Yaar, all of the above, gaining knowledge is absolutely, बिल्कुल जिस तरह मैंने कहा ना कि एक बच्चे की तरह आपको कहानी शुरू से सुननी पड़ती है, तो इसी तरह आपने आप जी जो आपका चूंकि आप गुनाहों की तरफ नहीं हो और नमाज की तरफ हो, तो आपका एक आर्मर तो बनना शुरू हो गया है, लेकिन इसके अंदर इसको रिच करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन करेक्ट चाहिए, नॉलेज कलेक्ट करेक्ट चाहिए, तो उसके लिए यस यू हैव टू रीड अ बंच ऑफ मटेरियल। नंबर वन शुड बी कुरान पाक, और उसको तफसीर से पढ़ें। और मैं सिंपलेस्ट मुझे जो तफसीर लगी है वो मौलाना मौदूदी की तहकीमुल कुरान ही है, बहुत आसान उर्दू में वो है, तो उसमें बहुत सारे आयत का तर्जुमा कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको मिलेगा कि ये किस चीज की बात की जा रही है, तो वो आपकी सबसे पहली इंफॉर्मेशन की डिपॉजिट भी जो है वो
ये होनी चाहिए तहफीमुल कुरान। उसके अलावा मैं, आप कराची में बेस्ड हैं एंड आई एम श्योर हमारे काफी सारे व्यूअर्स भी क्या कराची बेस्ड ही हैं? कुछ इटली से हैं, यूके से हैं, अच्छे खासे इंडिया से हैं, यू नो वी हैव मल्टीपल व्यूअर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड अल्हम्दुलिल्लाह। यूएसए, हम दुनिया भर के ब्रांड से पैसे लेके ब्रांडिंग करते रहते हैं। मैं एक आउटलेट का नाम लेना चाहूंगा, आसान करना चाहिए ना लोगों के लिए, तो दावा बुक्स, डी ए डब्ल्यू ए एच, दावा बुक्स इज अ वंडरफुल, dawabooks.com पे आप जाएं, वो दुनिया भर में, तो वो सब्जेक्ट वाइज जो है कलेक्शन ऑफ बुक्स अवेलेबल आपको कर देती है और वो डिलीवर भी करती है। तो मैंने, जब मैं आपको ये बताता था कि आजकल मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ स्टडी जो है वो नफ्स है, ईगो है, और उसके खिलाफ जहाद है। सो उसके खिलाफ के जहाद को कहते हैं तज़किया, व्हिच इज करेक्शन। तो करेक्शन के अंडर आपको बहुत सारी बुक्स मिलेंगी बाय नंबर ऑफ स्कॉलर्स। तो इस तरह उससे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने पहले स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट से शुरू किया जी, ताकि हिस्ट्री वहां से थोड़ी मजबूत करूँ। लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो दो तीन किताबें पढ़ ली, बट आगे पीछे जितने प्रॉफिट्स हमारे आए अपार्ट फ्रॉम सहाबा किराम, तो वो वहां से बेस बनाना शुरू की। उससे थोड़ी हिस्ट्री ऑफ इवेंट्स भी क्लियर होती चली गई। एंड फिर ऑफकोर्स इस्लाम इज ऑल अबाउट करेक्टिंग योर सेल्फ, ऑल अबाउट कंटिन्यूसली आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, आपके अखलाक में, आपके बिहेवियर में, आपकी नीयत में। अगर वो नहीं आ रही तो आप कुछ गलत कर रहे हैं, फिर आपको मेजर कुछ अपना कंपस ठीक करना है। सो दैट इज व्हाई आजकल मैं इस फेज में हूँ जहां मैं बिल्कुल अंदर गया हुआ हूँ। ये भी एक वजह है कि मैंने यूट्यूब चैनल पे भी कॉन्टेंट नहीं कुछ दे पाया, हालांकि मौका था। मैं अभी थोड़ा सा अंदर घुसा हुआ हूँ। सो बिफोर टॉकिंग अबाउट मोर कॉन्टेंट, I want to be very sure about especially this thing called nafs aur uski islam hai. Right. Yeah. How do you deal with negative reactions? Zaid bhai, kis tarah se koi audience, Sidra Shahir pooch rahe hain ki how you deal with negative reactions? Matlab regarding negative reactions with what? Maybe the kind of environment you're in, maybe you get these negative thoughts, being at times demotivated. Maybe हो सकता है you know, जिंदगी के ऊंची नीचे मामला था, किसी तरह चलते रहते हैं। तो हाउ डू यू डील विद दैट? क्या नमाज की तरफ रुजू करना है, क्या कुरान की तरफ जाना है, क्या दुआ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ? बाय द वे, मेरे अपने पेज पे और यूट्यूब पे हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी रमजान से पहले, एंड अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड लाइक, एंड इट बिकॉज पर्सनली मेरी जाती जिंदगी पे मैं शेयर करना चाहूंगा, दुआ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो मैं एक शॉर्ट वीडियो 2-3 मिनट का बनाता हूँ जहाँ पे मैं नई दुआ शेयर करता हूँ, एंड आई टेल देम अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। इट्स अ वेरी जेनेरिक फॉर्म ऑफ वे, एंड पीपल मेमोराइज इट, एंड देन यू नो वी मूव ऑन टू अनदर दुआ। तो मेरे लिए दुआ क्या इंपॉर्टेंट? तो आप नेगेटिविटी से किस तरह से वो करते हैं? मीनिंग यू नो, सम पीपल फाइंड अ वेरी रिलैक्सिंग टाइम ड्यूरिंग तहज्जुद। तो आप अपनी जिंदगी में नेगेटिविटी को दूर या नेगेटिव थॉट्स को दूर करने के लिए क्या करते हैं? सम ऑफ द लिसनर्स वुड लाइक टू नो। देखें, ये बात याद रखें कि हर नेगेटिव थॉट के पीछे आपके जो नंबर वन दुश्मन है उसका भी हाथ है। जिस इंसान ने आपको नेगेटिविटी दी है उसको भी ललकारा शैतान ने है और आपको अजियत देने के लिए किया है। और अगर आपने अजियत ले ली है और उसकी वजह से आप मायूसी ले ली है या गुस्सा ले लिया है, तो ये सक्सेसफुल हो गया आपके दुश्मन का काम। और दर हकीकत हुआ सिर्फ यही है कि एक नेगेटिव चीज ने आके आपको नेगेटिवली अफेक्ट कर दिया है। तो इसको पहचान लें कि ये सिलसिला मुसलसल है, तो उसका एक मुसलसल हल होना चाहिए फिर आपके पास। और वो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि 5 नमाजों के बीच में वक्फे ऐसे हैं कि हर वक्त किसी नमाज का टाइम आ चुका होता है। तो गो इन टू दैट नमाज, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने गुस्सा कर दिया उसकी माफी मांग लो और अल्लाह से उसी वक्त आइडेंटिफाई करा दो कि अल्लाह ये जो मेरा रिएक्शन था इसके लिए मुझे माफ कर और मुझे आइंदा इससे बचा। सो दैट्स
110% my number one go-to method कि जब negativity हो रही हो. और मैं यहाँ पे एक और बात जरूर करना चाहूंगा, आपने दुनिया की हर negativity से नमाज के साथ लड़ना है, लेकिन आपने कभी किसी भी negativity की वजह से कोई नमाज छोड़नी नहीं. Exactly. ये होगी सबसे बड़ी सक्सेस शैतान की आपके खिलाफ. तो मैं यहां तक भी कहूंगा कि अगर कोई ऐसा दिन चल रहा है, हम बहुत खुशी के मौकों पे भी कभी ऐसा हो जाता है इंसान है ना कि नमाज यार अभी चलो अभी थोड़ा टाइम है या थोड़ी शॉर्ट पढ़ लूं, तो उसमें भी मेरी एडवाइस यही होगी कि फर्ज पढ़ लें. और अगर मूड नहीं हो रहा या आपको टोटली कन्विंस चल रहे हैं कि मैं अभी कैसे नमाज पढ़ सकता हूँ, अभी तो मेरे पे तूफान गिरा है, अल्लाह माफ करे, छत गिरी है मेरे सर पे, ये नहीं आपने कर, किसी नेगेटिविटी की वजह से आपने नमाज छोड़ी नहीं है और दुनिया की हर नेगेटिविटी का हल आपको नमाज में मिलता है. ब्रिलियंट एडवाइस. अच्छा, कुछ लोगों ने सवाल किया था कि आगे आप एक्टिंग में क्या प्रोग्रेस देखना चाहते हैं और किस तरह से आप ड्रामास को लेके चल रहे हैं. आर यू गोइंग टू बी एबल टू साइडलाइन विद अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंटेंट और बेसिकली बी एबल टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर कंटेंट व्हिच इज बेसिकली गोइंग टू बी इन लाइन विद योर थॉट्स. क्या आंसर देना चाहेंगे? कुछ लोगों ने सवाल किया था, आई वाज नॉट एबल टू फाइंड दैट कमेंट अगेन. देखिए जी, जब तक मैं सिर्फ एक्टर हूं तो मैं इसको अपने इसका इस काम के जरिए से इसके साथ मेरा फिलहाल अल्लाह ताला ने रिस्क जोड़ा हुआ है. और जब इसको तब्दील करने का वक्त आ जाएगा मुकम्मल तौर पे, तो आई रियली वुड क्विकली जंप एट दैट अपॉर्चुनिटी. जैसे मैंने कहा, शो बिजनेस सबसे मुश्किल काम है अपनी नफ्स को करेक्शन में रखने का. तो मेरा तो दिल है कि व्हेनेवर अल्लाह सुब्हानहु व तआला मेक्स इट पॉसिबल, बट ये भी देखें कि यहां तक भी अल्लाह ताला ने ही पॉसिबल बनाया. सो हम बेवकूफाना अंदाज में बहुत जनरल बातें कर देते हैं, ये हराम है, वो हराम है, दिस एंड दैट, अस्तगफिरुल्लाह. कुछ भी इस तरह की जनरल स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हम जज नहीं है. शुक्र है हम जज नहीं है, अल्लाह ताला की जात जज है, सिर्फ वो बता सकता है. बहुत से खूबसूरत तरीन दिल के ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं शो बिजनेस में, जिन्होंने यतीमों को पढ़ाया है, बेवाओं को सपोर्ट किया है, कुछ स्कूल्स बनाए हैं, मसाजिद बनाई हैं अपनी उसी कमाई से, जिसको आराम से लोग हराम कह देते हैं. तो आराम ऐसा कुछ भी नहीं है इस काम में. और अगर आप इस तरह से भी इसको देखें कि ये प्रिटेंड है, मेक बिलीव है, स्टोरी टेलिंग है, तो देर इज नथिंग रॉन्ग विद स्टोरी टेलिंग. इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी यू आर टेलिंग. सो इस पॉइंट पे मैं अगला सवाल का जवाब जरूर देना चाहूंगा कि मुझे थोड़ा सा अरसा और लगेगा बिफोर बिकमिंग अ प्रोड्यूसर. एंड व्हेन आई गेट इनटू द शूज ऑफ अ प्रोड्यूसर, देन यस, इंशाल्लाह ताला कामयाबी दे. मेरी नीयत यही है कि मैंने सबसे पहले इस्लामिक हिस्टोरिक कंटेंट को बनाना शुरू करना है फॉर पाकिस्तान, इंशाल्लाह, चाहे वो सिनेमा हो चाहे टीवी हो. आई रियली वॉन्ट टू मेक स्टोरीज ऑन सलाउद्दीन अयूबी, इफ नॉट इवन एज रीसेंट एज मोहम्मद बिन कासिम और समथिंग, समथिंग टू इंस्पायर आवर यूथ, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच जाहिद भाई. बिफोर वी क्लोज डाउन, मैं चाहूंगा कि आप कोई एडवाइस देना चाहें हमारी यूथ को, हमारे लिसनर्स को, समथिंग दे कैन टेक बाय द क्लोजिंग एंड हमारा जो वीडियो है. कोई ऐसी एडवाइस है जो आप अपनी इस जनरेशन को दे सकते हैं, हमें सुनने वालों को दे सकते हैं? यार, दो बातें ऐसी मैं करना चाहूंगा जिन्होंने मेरा पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर किया था. नंबर वन, कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं कि किसी भी शख्स के माल या उसकी औलाद को देखकर ये मत समझो कि मैंने इसको नवाज दिया, ये तो हमारी तरफ से एक आजमाइश है. सो मैं अपने यूथ को कहना चाहूंगा कि आप कभी भी बेवकूफी मत कीजिएगा ये देखने की यार ये देखो ना इसके पास इतना पैसा है और ये तो जालिम है और रिश्वत खाता है और करवाता है और सिफारिश.
यहाँ पे जितने भी माल और दौलत वाले हैं अल्लाह ताला ने कह दिया किसी के माल को देखकर धोखा मत खाना, ये महज एक आजमाइश है। सो आप अगर मुझे देख रहे हैं या आप ये देख रहे हैं कि यार ये इंसान सक्सेसफुल है, तो उसकी प्लीज माल और दौलत को देख के मत सक्सेसफुल समझिएगा। दिस इज नो बेंच मार्क टू रीच, नो अमाउंट ऑफ मनी इज वॉट यू शुड एस्पायर टू। अगर मेरे पास आज दीन है ना, तो उसकी हकीकत यह है कि अब अल्लाह की मर्जी हो और कल मेरे से ये फेम और ये दौलत छीन ली जाए, तो मेरे पास फिर भी दीन हो, तब मैं सक्सेसफुल। एंड आई एम अल्हम्दुलिल्लाह रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ टेस्ट, बिकॉज अल्लाह ताला कहते हैं कि जो कहेगा मेरे पास फेथ है, मैं उसको टेस्ट करूंगा उसी की जात के हिसाब से। सो कभी भी दुनिया में किसी की माल दौलत देकर ये मत समझना कि उसको कि उसके तौर तरीके के वजह से अल्लाह ने उसको नवाज दिया। नहीं, अल्लाह जिसको चाहता है नवाजता है, जिसको नहीं। और यहीं से मैं दूसरी बात ये करूंगा कि अपने इर्द गिर्द देखिए, गरीब के घर में भी बच्चा पैदा होता है और वो इतना गरीब होता है कि वो जिंदगी की दौड़ में कभी भी आपके आसपास नहीं आ सकता। तो इससे जरा सोचिए कि अल्लाह ताला ने उस गरीब को भी पैदा किया है और एक को शहजादे के घर में भी पैदा किया है और अमीरी के साथ पैदा किया, किसी को माजूरी में भी पैदा कर दिया है। इस चीज से ये साबित होता है कि अल्लाह ताला की नजर में आपकी जिंदगी की जर्नी, उसकी कामयाबी इस दुनिया की दौड़ के बारे में नहीं थी, वो है ही किसी और दौड़ के बारे में। ये जिंदगी इस दुनिया की किसी और रेस के बारे में, रेस तो इसके बारे में थी ही नहीं कि कौन कितना पढ़ लिख जाता है, कौन कितना अमीर हो जाता है, कौन कितने घर बना लेता है। अगर ये होता तो अल्लाह किसी को गरीब ना बनाता और गरीब को मजीद औलाद ना देता। लेकिन गरीब से भी मांगी है 5 वक्त नमाज, गरीब से भी मांगी है अकीदा, और अमीर से भी मांगा है अकीदा, अमीर से भी मांगा है तकवा। सो इस चीज को हाथ से कभी मत जाने देना, कभी भी अपनी दुनिया की मटेरियल चीजों को मत इतना मान लेना, उनकी प्रेजेंस को या उनकी एब्सेंस को। मेरे पास पैसा है या नहीं है, आपके पास जब मौत आएगी तो आप ना तो अपना एसी साथ ले जा सकते हैं, ना वाईफाई साथ ले जा सकते हैं, ना गाड़ी साथ ले जा सकते हैं। और मैं लास्ट एडवाइस एक जरूर ये भी दूंगा, अगर कुछ लोग ये भी पूछना चाहते हैं कि व्हाट इज द नंबर वन एंड द मोस्ट बेनिफिशियल वे टू कीप योर सेल्फ रिमेम्बरिंग अल्लाह सुबहानो ताला, एंड ऑल्सो कि नमाज में सबसे आसान तरीका कंसिस्टेंट रहने का ये है, पिक्चर योर डेथ और घबरा के मत करो। क्योंकि तमाम उलमा के मुताबिक जितना मैंने सुना है वो ये है कि जब मौत आती है तो ऐसा नहीं होता कि आपको अंधेरा छा जाता है आंखों के सामने। जब मौत आती है तो रूह जिस्म में ही होती है, एंड यू कैन सी कि सब बैठे हुए हैं और वो रोना शुरू हो गए कि हाय ये मर गया, और आप अंदर से चीखो पुकार रहे होते हो। जितना मैंने उलमा से सुना है, मैं वही शेयर करूँ, आप अंदर से चीखो पुकार रहे होते कि नहीं मैं नहीं मरा, मैं इधर हूँ, मैंने इधर ही हूँ, लेकिन नोबडी कैन हेयर यू बिकॉज रूह सिर्फ आपकी बोल रही है आप मर चुके हैं। आप पूरा मंजर देखते हो कि अब आपको गुस्ल दिया जा रहा है, अब आपको उठा के ले जाया जा रहा है, आपको कब्र तक पहुंचाया जा रहा है, एंड यू आर स्क्रीमिंग एंड येलिंग कि मैं यही हूं, मैं यही हूं, आपको यकीन नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया है। एंड देन यू आर बरीड, दैट इज द फर्स्ट टाइम जब आप अंकर और मुनकीर की कंपनी में आते हैं और वो आपसे सवाल करते हैं, और वो आपसे करेंगे 3 अदद सवाल, हु वॉज योर गॉड, वॉट वॉज योर रिलीजन, Who was your prophet? और इन सवालों का जवाब नॉलेज से नहीं है। आप आज तो मुझे और आपको इनका जवाब आता है, लेकिन जो अमलन अमलन हम इन कर इस पे जिंदगी गुजारता रहा है वो जवाब दे पाएगा, माय लॉर्ड वाज अल्लाह सुब्हानहू व तआला, माय रिलीजन वाज इस्लाम, एंड माय प्रॉफिट वाज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो दिस इज द रियलिटी माय। एक और छोटी सी बात मैं जरूर करना चाहूंगा, अगर आप कहीं जा रहे हो सड़क पे और आपको पता हो कि आपकी डेस्टिनेशन आगे है सामने, लेकिन आपके सामने इतना बड़ा ट्रक आ जाएगा,
दुनिया के आप कोई भी इंसान हो, आप उस ट्रक के अंदर से नहीं देख सकते, आपका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। सो माय फ्रेंड्स, द डेस्टिनेशन इज मौत, द डेस्टिनेशन इज अल्लाह, ही इज राइट देयर। आपने मरना ही है और आपकी गाड़ी चलती जा रही है, आप कुछ नहीं कर सकते। इस दुनिया एंड द वे ऑफ द शैतान इज द ट्रक इन फ्रंट ऑफ यू, ही विल ब्लॉक योर विजन। विजन वो आपका जरूर ब्लॉक कर देगा, मंजिल तक आप फिर भी जा रहे हो। सो द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रियलाइज इज दैट यू गोइंग टूवर्ड्स अ मीटिंग, और उस मीटिंग की तैयारी की अल्लाह ताला ने बहुत आसान करके बता दिया है मुझे क्या चाहिए। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और हम चले जाते हैं आगे। मैं नफ्स की बात करूं, कभी कभी नफ्स की करेक्शन मुझे परेशान कर देती है, बट एट द एंड ऑफ द डे, जिस तरह वो एक हदीस पाक, और मेरी लास्ट बात होगी, हदीस पाक है आपको भी आई एम श्योर आपने पढ़ी होगी, वजह जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक एक आदमी आया आम सा, पूछने लगा क्या है इस्लाम, बताओ मुझे कैसे करते हैं इस्लाम, कैसे करते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि नमाजें हैं पांच। अच्छा जी, कौन कौन सी नमाजें हैं? नमाजों की रकात बताई। अच्छा जी, इससे ज्यादा कोई नमाजें हैं? नहीं, इससे ज्यादा नफले हैं, नफले पढ़नी हो तो पढ़ लिया करना। फिर उस आदमी ने पूछा कि व्हाट एल्स इज इस्लाम, रोजों को बताया, रमजान के 30 लाजिम है, उसके अलावा कोई रोजे हैं? उसने पूछा उनका नफली जो भी रखते हैं रख लेना। हज का पूछा, जो साहिब इस्तेताअत है वो कर सकता है साल में एक दफा, वो दे दे। अच्छा जी, जो नहीं कर सकता उसके लिए माफ है। और क्या है जी इस्लाम? ज़कात का बता दिया, जिस पे बनती है वो दे दे, जिस पे नहीं बनती वो ना करे। और तौहीद का बता दिया कि अल्लाह का। आगे से शख्स का जवाब जवाब पाकिस्तानियों वाला जवाब था, उससे कहा अगर मैं सिर्फ यही करूं और इसके अलावा कुछ ना करूं तो क्या मुझे जन्नत मिलेगी? और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि हाँ, अगर तुम सच्चे दिल से और इन चीजों को अच्छे तरीके से नमाज अदा करो तो प्रॉपर करो, और सिर्फ यही कर लो तो यू विल एंटर पैराडाइज। जब शख्स वहां से चला गया तो बाकी सहाबा ने पूछा कि रसूल पाक ये वाकई जन्नत में चले जाएगा? रसूल पाक ने कहा यस, ये गुनाहों से दूर रहे, जिन जिन हद से अल्लाह ताला ने मना किया है उन हदूद को पार ना करे, चाहे वो अकेला हो चाहे वो कंपनी में हो, एंड अपनी वर्शिप पूरी रखे, दैट इज इट, दैट इज पैराडाइज। जैसा आपने कहा कि तस्किया, अल्लाह सुब्हान तआला कुरान में फरमाते हैं कद अफलह मन तज़क्का, कि कामयाब फला वो पा गया जिसने अपना तस्किया किया। दिस प्योरिफिकेशन एलिमेंट बहुत जरूरी है, और आपने राइटफुली कहा। थैंक यू सो मच जाहिद भाई फॉर योर ब्यूटीफुल टाइम एंड योर ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन। आई एम श्योर ऑडियंस ने बहुत एंजॉय किया, एंड आई एम लुकिंग एट द कमेंट्स, एंड आई एम सो मेनी ओवरवेलमिंग कमेंट्स लोगों के अप्रिसिएशन के, लोगों के सवालात, एंड आई अपोलोजाइज टू द ऑडियंस। आई नो ये टाइम बहुत कम था जाहिद भाई के साथ। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं फिर एक और दफा हम कई दफा हम जो है जाहिद भाई के साथ करेंगे। इंशाल्लाह ये पेंडेमिक खत्म होगा तो वी गोइंग हैव अ सिटिंग विद जाहिद भाई। अवेयर ऑफ द फैक्ट कि आप और मैं डिफेंस में करीब करीब ही रहते हैं इंशाल्लाह ताला। वी गोइंग हैव लाइक यू नो मोर सेशंस टुगेदर। एंड मैं ये बात बताता चलूँ कि जाहिद भाई ने पीछे मेंशन भी किया था, किसी तरह से हेजिटेट नहीं किया। I asked him, I requested him, and he was like, you know, yeah, let's just go for it. And that is a very humble and a very beautiful gesture shown by Zahid bhai. Zahid bhai, thank you so much for your precious time. I know कहीं ज़्यादा आपको चीज़ें बोलने की हैं, कहीं ज़्यादा आपके सवालात जवाब देने के हैं, but I know आपका time बहुत important है, and I know a lot of people enjoyed it. Inshallah ताला, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला Zahid bhai आपको दुनिया में भी बेहतरीन अदा करे और आखिरत में बेहतरीन अदा करे। अल्लाह सुबहान व तआला आपको हिदायत में बढ़ाता चला जाए। अल्लाह ताला हर उस चीज से आपको दूर कर दे जो अल्लाह ताला की नाफरमानी की तरफ जाती है, अल्लाह ताला से दूर करती है, और हर उस चीज के करीब कर दे आपको जो अल्लाह सुबहान ताला करीब करता है। अल्लाह ताला आपके बच्चों को, आपके घर वालों को, आपके लिए जो है आंखों की ठंडक बनाए। अल्लाह सुबहान ताला आपको लोगों के लिए हिदायत का जरिया बनाए, और अल्लाह सुबहान ताला आपसे राजी हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जो सुनने वाले लोग हैं उनके लिए प्लीज दुआ करें। मेरी बड़ी दिल से ख्वाहिश है, जितने भी लोग सुन रहे हैं प्लीज अपने आप को मत रोको। कोई लॉजिकल इश्यूज हैं चल दिमाग में चल रहे, या अपने आप को कभी भी मत समझना कि मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैं इस्लाम में नहीं आ सकता, नमाज के तरीके में नहीं आ सकता। प्लीज मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट होगी, डोंट एवर थिंक, डोंट स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम नमाज। नमाज इज द पावर टू से मोर नमाज, एंड इस्लाम
and being religious is not a destination, it is a continuous journey. So कोई भी इस सिलसिले में बस आता जाए और अल्लाह उसको ताकत देता जाएगा, मेरे और आपस आपके बस की कोई बात नहीं है, और कोई ऐसा लेवल नहीं अचीव हो जाएगा कि एक दिन आप कहेंगे कि मैं नेक और मुत्तकी हो गया, ऐसा नहीं होता। हर इंसान के पास मौका है कि वो एक नमाज से शुरू कर ले तो वो दूसरी पढ़ लेगा और अल्लाह ताला उसको तौफीक देगा तो तीसरी चौथी और फिर मंजिल पे मंजिल को कायम करता चला जाएगा। सो प्लीज मैं अपने यंगस्टर से बात करूंगा जरूर कि ये लेक्चर्स देखना, बुक्स पढ़ लेना और इन सब चीजों से मजा तो बहुत आता है, बट जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, सो जस्ट स्टार्ट द प्रैक्टिस, बी इन द प्रैक्टिस ऑफ नमाज, एंड दिस इज नॉट अ प्रैक्टिस व्हिच मेक्स परफेक्ट, दिस इज अ प्रैक्टिस कंटिन्यूअस, प्रैक्टिकली करें जहां भी हैं, जिस भी हालत में, सिर्फ फर्ज पढ़ लें वजू करके, बट डू नॉट डिले दिस एनी फर्दर। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके जो जिंदगी के हम मामलात हैं जिनसे आप परेशान होकर नमाज नहीं पढ़ रहे थे वो भी सवार देगा, उसमें भी आसानी करेगा और आखिरत में तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो ही रही है। सो प्लीज माई यंगस्टर्स, माई डियर डियर यंगस्टर्स, डोंट स्टॉप, डोंट डिले। You can be an actor and be close to Allah. You can be a millionaire and be close to Allah. You can be a beggar and be close to Allah. If you have Allah, you have everything. Thank you so much, Zahid bhai, for the beautiful advice. To our viewers, Allah ta'ala aapko jazaya khair ata kare. Aap sabne join in kiya. Allah subhanahu wa ta'ala aapko dunya aur akhirat ki behtri ata kare. Inshallah ta'ala next Friday show mein mulaqat kijiyega with another topic and another guest. Inshallah hum mulaqat karte rahenge interesting guest ke saath. Aur inshallah Zahid bhai se request bhi karenge ki aur aise individuals hai to please hame recommend kare taaki hum apni audience ko inspire karte rahe aur unko behtar se behtar Allah ta'ala se qareeb hone ka zariya banate rahe. So with this we'll end our session today. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.